चलिए कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने कंप्लीटली डिस्कस किया था अबाउट पाइथन फीचर्स। एज ऑफ नाउ देखा जाए तो पाइथन के फीचर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें से पाइथन फीचर आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग था, यूजफुल था। नेक्स्ट वन, जस्ट एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन, मीन्स पाइथन का यूज करके किस टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल, विच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस कैन बी डेवलप बाय यूजिंग पाइथन्स और सम अदर केस। व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ पाइथन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। ठीक है, जैसे थ्योरेटिकल पॉइंट्स वेरी फास्टली फिनिश करना है, उसके बाद जस्ट चेक करेंगे हाउ टू इंस्टॉलिंग पाइथन सॉफ्टवेयर और लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन। देन पाइथन इंस्टॉलेशन के बाद चेक करेंगे पाइथन के केस में फर्स्ट टाइम अगर आप कोई पाइथन एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, हाउ मेनी वे ऑफ डेवलपिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइथन एप्लीकेशंस। राइट, पाइथन एप्लीकेशन आपके लिए IDLE टूल के थ्रू भी डेवलप करना पॉसिबल है। IDLE फुल फॉर्म क्या इसका, जस्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। राइट, तो डिस्कस करेंगे जस्ट इसका मीनिंग क्या है। जैसे एक टाइप से क्या है, जस्ट रैपल टूल। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैपल, रीड इवॉल्व प्रोसेस एंड लूप। एल का मतलब क्या, लूप, और जस्ट वी कैन से रिपीट, सबको डिस्कस किया जाएगा। देन हाउ टू डेवलपिंग पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग नॉट पैड और हाउ टू डेवलपिंग पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग एडिट प्लस। एडिट प्लस भी क्या है, जस्ट काइंड ऑफ एडिटर सॉफ्टवेयर। जस्ट ये टर्म्स अभी फिनिश करते हैं। जस्ट फीचर्स के साथ साथ पाइथन के अदर लैंग्वेज के साथ साथ कंपैरिजन में डिस्कस किए गए। राइट, इसमें फिलहाल डिस्कस करना चाहता हूं एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन एरिया ऑफ पाइथन, और जस्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेशंस का मतलब क्या रहता है, जैसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। जब भी कोई सॉफ्टवेयर अंडर डेवलपमेंट होता है, एट दैट टाइम किसी भी सॉफ्टवेयर को कंसीडर करते हैं ऑलवेज एप्लीकेशंस। किसी भी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर को आप एट एनी टाइम क्या बोल सकते हैं, जस्ट एप्लीकेशंस। जस्ट एप्स और सॉफ्टवेयर, इन दोनों टर्मिनोलॉजी में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्स एंड सॉफ्टवेयर। एप्स मीन्स एनी प्रोजेक्ट अंडर डेवलपमेंट, अगर कोई प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के अंदर है देन जस्ट एप्स बोल सकते हो। जैसे ही किसी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, देन ये प्रोजेक्ट डिलीवर किसको होता है, क्लाइंट को, मीन्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट मीन्स वॉट, क्लाइंट एनवायरमेंट। एट दैट टाइम आप इसको क्या बोलोगे, जस्ट सॉफ्टवेयर। मतलब यूजर लेवल पर आप क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर, और डेवलपर लेवल पर या एम्प्लॉय लेवल पर इसको क्या बोला जाए, जस्ट एप्लीकेशन। पाइथन के पॉसिबल एप्लीकेशंस क्या है, या पाइथन किस टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है। राइट, जैसा कि आपको सभी को पता है, पाइथन इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग AI बेस्ड एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन। राइट, नाउडेज अगर पाइथन देखा जाए तो पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलरिटी ले चुका है। उसका मेन रीजन क्या है, पाइथन इज अ बेस्ट सूटेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर AI। राइट, नेक्स्ट वन, सेकेंड रीजन क्या है इसका, पाइथन इज बेस्ट सूटेबल लैंग्वेज फॉर डेवलपिंग डेटा साइंस एप्लीकेशन, डेटा साइंस एप्लीकेशन और न्यूरल बेस्ड एप्लीकेशन। राइट, नेक्स्ट वन, डेटा साइंस मीन्स अगर आपके पास ग्रुप ऑफ डेटा, अगर उसको प्रोसेस करना चाहते हो, उसके बेसिस पर कुछ फैक्ट्स एनालाइज करना चाहते हो, लाइक दैट, तो डेटा साइंस मीन्स डेटा एनालिसिस लेवल पर डेटा साइंस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए पाइथन बेस्ट सूटेबल है। राइट, नेक्स्ट वन, इसके अलावा क्या है, जस्ट डीप लर्निंग। डीप लर्निंग, अभी अगर मैं बात करूं आपके साथ में, आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जस्ट सिंपली कोर पाइथन, जो कि सभी केसेस में कॉमन है, AI के लिए भी, डेटा साइंस के लिए भी, और डीप लर्निंग के लिए भी। राइट, कोर पाइथन, कोर जावा नहीं, सॉरी, जस्ट कोर पाइथन। अगर आप में से कोई जावा डेवलपर है तो आपको पता होगा जावा भी टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, कोर एंड एडवांस। जस्ट आपका जो सिलेबस है वो मेनली क्या है, कोर। कोर का मतलब क्या, अगर आपको कोर लेवल का नॉलेज है तो आप बोलो सर क्या हम पाइथन के थ्रू AI या डेटा साइंस या डीप लर्निंग बेस्ड या मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने वाले क्या, नहीं। रीजन,
क्योंकि जस्ट मैं आगे उसका रीजन डिस्कस करने जा रहा हूँ, अपना मेन डिस्कशन क्या है। वन मोर थिंग, अगर आप पाइथन में कहीं भी इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको AI, डेटा साइंस या डीप लर्निंग के बारे में तो इस टाइप के एप्लीकेशन कभी नहीं पूछे जाएंगे। जस्ट उसका मैं रीजन आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सेम एज पाइथन इज बेस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। मशीन लर्निंग एप्लीकेशन को किसको बोलते हैं? और कोई भी मशीन वो खुद से कुछ भी सीखता है, मीन्स नथिंग बट जस्ट मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशंस। जनरली देखा जाए तो इस लेवल के एप्लीकेशंस का एज ऑफ नाउ मुझे भी कोई बिग आइडिया नहीं है, ठीक है। अब आप बोलो सर अगर मुझे इस लेवल के एप्लीकेशंस डेवलप करना तो फिर मुझे कौन सा पाइथन सीखना चाहिए? तो इसके लिए जस्ट मैं नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस करने जा रहा हूँ फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। यहाँ पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, इस पाइथन के कितने फ्लेवर्स अवेलेबल है, पाइथन किस फॉर्म में अवेलेबल है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए, जैसा कि मैंने आपको पाइथन फीचर में एक पॉइंट डिस्कस किया था, जस्ट पाइथन इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओपन सोर्स का मतलब क्या बताया था? पाइथन का सोर्स कोड पब्लिकली सभी पर्संस के लिए अवेलेबल है, मतलब आप भी पाइथन का सोर्स कोड देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ, जस्ट इसके वेबसाइट से डाउनलोड करना पॉसिबल है सिंपली, ठीक है। अगर आप गूगल में सिंपली टाइप करोगे आपके लिए इजीली इसका सोर्स कोड देखना पॉसिबल है। जैसे आपने एक और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नेम सुना होगा समथिंग यूनिक्स और लिनक्स, सभी ने सुना होगा, लेकिन यूनिक्स के केस में आपने गेस किया हुआ यूनिक्स के कई सारे फ्लेवर्स अवेलेबल, लाइक यूबंटू, रेड हैट, राइट, लाइक दैट। इस टाइप से इसके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कई सारे फ्लेवर्स अवेलेबल है। यहाँ पर इन डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स का मतलब क्या है? जबकि सारे फ्लेवर्स बिलोंग किसको करते हैं? यूनिक्स एंड लिनक्स। यूनिक्स और लिनक्स में कोई बिग डिफरेंस नहीं है, इट इज जस्ट सिमिलर टू डॉस एंड विंडो, राइट। तो डॉस और विंडो में क्या डिफरेंस है? डॉस इज एन CUI इंटरफेस, वेयर विंडोज इज अ GUI इंटरफेस। सिमिलरली यूनिक्स क्या है? CUI इंटरफेस, और लिनक्स क्या है? GUI इंटरफेस और GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स और यूनिक्स भी ओपन सोर्स है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्संस ने लिनक्स के सोर्स कोड को कस्टमाइज करके अपना खुद का न्यू OS क्रिएट किया, उस कस्टमाइज्ड OS को नेम दिया समथिंग यूबंटू, समथिंग रेड हैट, लाइक दैट, क्लियर। इस तरह से जिस तरह से जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल जावा, जावा भी कैसा है? जावा इज ऑल्सो ओपन सोर्स, राइट। जावा कैसा है? जावा इज ऑल्सो ओपन सोर्स। तो क्या जावा के भी मल्टीपल फ्लेवर्स पॉसिबल है? जावा का वेंडर कौन है? इनिशियली वाज सन, करेंटली वाज, और करेंटली कौन है? जस्ट ओरेकल। इनिशियली जावा का वेंडर कौन था? सन माइक्रो सिस्टम, बट नाउअडेज ओरेकल, राइट। जावा के केस में देखा जाए तो सन और ओरेकल ने जस्ट जावा के 3 फ्लेवर सप्लाई किए, JSE, JEE एंड JME। अभी मैं जावा को डिस्कस करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन इसके अलावा भी आपने जावा बेस्ड कई सारे सॉफ्टवेयर सुने होंगे, लाइक व्हाट इज मीन बाय हाइबरनेट, व्हाट इज मीन बाय टॉप लिंक। हो सकता है आपने इन टॉपिक्स के नेम ना सुने हो, व्हाट इज मीन बाय स्ट्रट्स। जावा का काफी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जावा बेस्ड, जस्ट स्प्रिंग, राइट। ये टर्मिनोलॉजी हो सकता है आपको नॉलेज ना हो, लेकिन सुने थोड़ा बहुत सबने सुना होगा, राइट। लेकिन इनमें से एक भी सॉफ्टवेयर ऐसा नहीं है जो सन माइक्रो सिस्टम ने या ओरेकल ने प्रोवाइड किया हो, राइट। हाइबरनेट, टॉपलिंग, स्टार्स, स्प्रिंग और भी इसके अलावा कई सारे केसेस हैं, राइट। इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर सन माइक्रो सिस्टम ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ओरेकल ने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। सन और ओरेकल ने केवल इंट्रोड्यूस किया ओनली 3, JSE, JEE, JME। JSE means core Java, JEE means advanced Java, ठीक है, like that। फिर ये सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टीज ने प्रोवाइड किए, क्योंकि जावा ओपन सोर्स है, तो जावा सोर्स कोड कोई भी मॉडिफाई करके अपना खुद का सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस कर सकता है। किसी पर्सन ने इंट्रोड्यूस किया हाइबरनेट, टॉपलिंक, टॉपलिंक एक टाइप से देखा जाए तो टॉपलिंक भी ओरेकल का प्रोडक्ट है, लेकिन टॉपलिंक ओरेकल का मतलब जब ओरेकल ने जावा को टेक ओवर नहीं किया था, उससे पहले ही ओरेकल ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर चुका था, राइट। स्ट्रट्स, स्ट्रट्स किसने प्रोवाइड किया? अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, ASF, फ्रॉम अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जो कि थर्ड पार्टी है, जस्ट लाइक अ PSF, पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। सेम है स्प्रिंग, स्प्रिंग भी थर्ड पार्टी ने, और स्प्रिंग कॉर्पोरेशन और स्प्रिंग ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड किया, लाइक दैट।
जस्ट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कोई भी सॉफ्टवेयर जावा का नहीं है, लेकिन सॉरी सन माइक्रो सिस्टम ने इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन फिर भी सॉफ्टवेयर कैसे हैं जावा बेस्ड। आपने देखा ये सॉफ्टवेयर किस टेक्नोलॉजी के साथ यूज होते हैं, जावा के साथ। सिमिलरली अपना मेन पर्पज क्या है, जस्ट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन। तो पाइथन की बात करें, पाइथन भी ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मीन्स पाइथन का सोर्स कोड पब्लिकली सभी पर्सन के लिए अवेलेबल है। इसलिए पाइथन के सोर्स कोड को कस्टमाइज करके, मतलब इसका बिहेवियर अगर आपको लगता है पाइथन में कोई पर्टिकुलर फीचर या लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, तो आप जस्ट खुद का न्यू लाइब्रेरी बना के पाइथन की लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हो, लाइक दैट। जस्ट पाइथन के सोर्स कोड को कस्टमाइज करना पॉसिबल है, कस्टमाइज करके डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स ने, डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने अपना खुद का न्यू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया और जिसको कुछ न्यू टाइटल्स प्रोवाइड किए। जैसे फर्स्ट वन, पाइथन कस्टमाइज हुआ बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, मतलब किसी पर्सन ने पाइथन लाइब्रेरी का पाइथन कोड को सी में चेंज किया, सी में मॉडिफाई किया और नेम दिया इसको जस्ट सी पाइथन, दैट इज स्टैंडर्ड पाइथन। मतलब लर्निंग लेवल पर, स्टूडेंट लेवल पर, कहीं पर भी किसी भी कोचिंग सेंटर में इनिशियल लेवल पर कौन सा पाइथन पढ़ाया जाता है, जस्ट सी पाइथन। मतलब पाइथन ही इटसेल्फ क्या है, नथिंग बट जस्ट सी पाइथन, दैट इज द स्टैंडर्ड पाइथन। लेकिन पाइथन कस्टमाइज किसके थ्रू हुआ है, कस्टमाइज्ड, दिस पाइथन कस्टमाइज्ड बाय यूजिंग सी लैंग्वेज और जस्ट वी कैन से ऑब्जेक्टिव सी, ठीक है। सेम एज एक और पाइथन इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज आयरन पाइथन। अदर पाइथन क्या है, पाइथन का अदर फ्लेवर है जस्ट आयरन पाइथन। जैसे मैंने आपको बताया था यूनिक्स के केस में यूनिक्स के कई सारे फ्लेवर्स हैं, लेकिन सारे के सारे फ्लेवर्स बिलोंग किसको करते हैं, कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जस्ट यूनिक्स, राइट, क्या रेड हैट और जस्ट लाइक यूबंटू। लेकिन आपने देखा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं क्या, नहीं, फ्लेवर इज डिफरेंट, वर्जन इज डिफरेंट। विंडोज के वर्जन कई सारे हैं, तो यूबंटू के भी कई सारे वर्जन हो सकते हैं, सेम एज रेड हैट के भी कई सारे वर्जन है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्लेवर्स। विंडोज का फ्लेवर केवल माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड किया है, बिकॉज इट इज कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज कैसा है, जस्ट कमर्शियल ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ओपन सोर्स। तो कमर्शियल का मतलब क्या है, इट इज प्राइवेटली अवेलेबल टू द माइक्रोसॉफ्ट, किसी थर्ड पार्टी के लिए, अदर पर्सन के लिए कस्टमाइज करना पॉसिबल नहीं। यही रीजन है विंडोज किसी अदर पर्सन के लिए प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं। सेम है .NET, .NET भी क्या है, ऑल्सो कमर्शियल। तो .NET के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, सिल्वर लाइट और डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ADO.NET, ASP लाइक दैट और C#, सारे के सारे फ्लेवर्स प्रोवाइड किसने किए, माइक्रोसॉफ्ट ने, क्योंकि ये भी प्राइवेटली अवेलेबल है। जो सॉफ्टवेयर प्राइवेट और कमर्शियल लेवल पर अवेलेबल हो, थर्ड पार्टी के लिए कस्टमाइज करना है, मॉडिफाई करना पॉसिबल नहीं होता, राइट। लेकिन पाइथन के केसेस में जस्ट एक बार पाइथन इंट्रोड्यूस किया गया, नेक्स्ट फ्लेवर क्या पाइथन का, आयरन पाइथन। आयरन पाइथन कस्टमाइज किया यूजिंग C#, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वेंडर ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने पाइथन को जस्ट कस्टमाइज किया बाय यूजिंग C#.NET और प्लस इन्होंने न्यू टाइटल या न्यू नेम प्रोवाइड किया कॉल्ड एज आयरन पाइथन, राइट, कस्टमाइज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट, कस्टमाइज्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट यूजिंग सी शार्प को जनरली सी हैश सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सेम एज जे जावा पाइथन, नेक्स्ट टाइटल क्या है, जस्ट जावा पाइथन और जस्ट सिंपली जायथन। सन माइक्रो सिस्टम ने और ओरेकल ने पाइथन सोर्स कोड को कस्टमाइज किया यूजिंग जावा प्लस इसको नेम दिया जस्ट जायथन, राइट, कस्टमाइज्ड बाय यूजिंग जावा। इट इज बेस्ट सूटेबल फॉर वर्किंग विद जावा एप्लीकेशन। अगर आप पाइथन को जावा के साथ मिक्सअप करना चाहते हैं, यहाँ पर आपके लिए बेस्ट वर्जन क्या रहेगा, जस्ट जायथन, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी के अंदर फंक्शनैलिटी सेम हो सकते हैं। नेक्स्ट वन रूबी पाइथन। आपको याद होगा रूबी भी अपने आप में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। किसी पर्सन ने जस्ट पाइथन को कस्टमाइज किया बाय यूजिंग रूबी लैंग्वेज प्लस इसको नेम दिया एज रूबी पाइथन, राइट। कस्टमाइज्ड मींस मॉडिफाइड, कस्टमाइज्ड और मॉडिफाइड बाय यूजिंग रूबी एंड रेल्स, ठीक है। सेम एज पाइपाई, पाइथन के अंदर मैं नेक्स्ट लेवल पर जस्ट पाइथन का डिसएडवांटेज डिस्कस करने वाला हूं। तो वहां पर आप देखो पाइथन का बिगेस्ट डिसएडवांटेज क्या है,
इसका परफॉर्मेंस काफी स्लो है कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ऐसा तो नहीं बोल सकते हो काफी स्लो, जस्ट अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में जस्ट स्लो है। जस्ट अगर आप पाइथन प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को सी या सी प्लस प्लस के प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से कंपेयर करो तो आप देखोगे पाइथन का एग्जीक्यूशन सी और सी प्लस प्लस के कंपेरिजन में जस्ट स्लो है। उसका मेन फैक्टर क्या है, बिकॉज इट इज इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कैसा है, इंटरप्रेटर, मतलब पाइथन के अंदर कंपाइलर अवेलेबल है या इंटरप्रेटर अवेलेबल है, जस्ट इंटरप्रेटर। लेकिन इंटरप्रेटर को प्रोवाइड करने का मेन रीजन क्या था, जस्ट मेकिंग इट एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, राइट। अगर ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जिसकी वजह से पाइथन कैसा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो यहां पर यूज क्या होता है, इंटरप्रेटर। लेकिन जस्ट पाइथन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोवाइड क्या किया गया है, वन मोर वर्जन और वन मोर फ्लेवर ऑफ पाइथन कॉल्ड एज पाइपाई। क्योंकि पाइपाई के अंदर प्रोवाइड क्या होता है, जे आई टी कंपाइलर, मतलब यहाँ पर इंटरप्रेटर के प्लेसेस पर यूज क्या होता है, जस्ट कंपाइलर, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। क्या है फुल फॉर्म क्या इसका, जस्ट इन टाइम कंपाइलर। जस्ट इन टाइम का मतलब क्या है, ये कंपाइलर जस्ट यूज कब होता है, जस्ट ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, नॉट कंपाइल टाइम, राइट, जस्ट बिफोर, एग्जैक्टली जस्ट बिफोर एग्जीक्यूशन। ये कंपाइलर कब अप्लाई होता है, जस्ट एग्जैक्टली बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका मीनिंग आगे कभी देखेंगे। लेकिन ये किस लैंग्वेज के थ्रू कस्टमाइज किया गया है, इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं। जस्ट आप बोल सकते हो इस पाइपाई फ्लेवर का मेन पर्पज क्या है, जस्ट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना। लेकिन फिर भी पाइथन का परफॉर्मेंस अप टू मार्क नहीं है, ठीक है। सेम एज एक और पाइथन इंट्रोड्यूस किया कॉल्ड एज एनाकोंडा पाइथन, मोस्ट पॉपुलर एनाकोंडा पाइथन। जस्ट आई थिंक जहां तक मुझे आइडिया है इसको मॉडिफाई किया गया यूजिंग हडूप। किसके थ्रू मॉडिफाई किया गया, यूजिंग हडूप। मींस जो एनाकोंडा पाइथन, जैसा मैंने डिस्कस किया था, पाइथन के थ्रू ए आई, डेटा साइंस बेस्ड, डीप लर्निंग बेस्ड और मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल। मैं मोस्ट पॉपुलरिटी की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा पाइथन के थ्रू डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी डेवलप करना पॉसिबल, नो डाउट। स्टैंड एलोन एप्लीकेशन क्रिएट करना पॉसिबल, नो डाउट, ठीक है। सेम एज पाइथन का यूज करके नेटवर्क एप्लीकेशन क्रिएट करना पॉसिबल है, पाइथन का यूज करके वेब एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल है, मीन्स वेबसाइट्स, राइट। लेकिन पाइथन की किस में, मोस्ट ऑफ केस में देखे जाए पाइथन सबसे ज्यादा पॉपुलर किसके लिए, डेवलपिंग एआई लैंग्वेज, डेटा साइंस, डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग, लाइक दैट, राइट। नेक्स्ट इस पर जो एनाकोंडा पाइथन है, एनाकोंडा पाइथन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जस्ट इस पाइथन के अंदर प्रोवाइड क्या किया गया, सम रेडीमेड लाइब्रेरी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सेपरेट रेडीमेड रिक्वायरमेंट्स अवेलेबल है, बोल सकते हो रेडीमेड सर्विसेज अवेलेबल है। रेडीमेड लाइब्रेरी का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल आपको फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो या तो आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करने के लिए खुद का लॉजिक राइट करो, राइट योर सेल्फ, या फिर हो सकता है कोई पर्सन ऑलरेडी इस फंक्शन को प्रोवाइड कर रहा हो तो आप एग्जिस्टिंग फंक्शन यूज कर सकते हो। तो सिमिलरली यहाँ पर एनाकोंडा पाइथन के अंदर डिफरेंट रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल है, लाइक का जस्ट नंपी, आपने नेम सुना हुआ नंपी लाइब्रेरी और पंडास, लाइक दैट। तो इस टाइप कई सारे लाइब्रेरी अवेलेबल है, ढेर सारे। इन डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरीज का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पाइथन बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल हो सकता है। कोई लाइब्रेरी मोस्ट सुटेबल किसके लिए, डेवलपिंग ए आई बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है। कोई लाइब्रेरी मोस्ट सुटेबल है किसके लिए, डेवलपिंग डेटा साइंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग एंड सो ऑन। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अवेलेबल क्या है, एनाकोंडा पाइथन। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने रेडीमेड लाइब्रेरीज प्रोवाइड किए बाई यूजिंग पाइथन कोड। ये लाइब्रेरी किस कोड में राइट किए गए, यूजिंग पाइथन, राइट। अगर आप एनाकोंडा पाइथन पढ़ते हैं फ्यूचर, तो उस केस में आपको ये सब कुछ सीखने को मिल सकता है। और मीनवाइज नंपी वंडास, लेकिन मेरा मेन डिस्कशन क्या, सी पाइथन। मैं अभी अपनी करेंटली बात करूं, एक्चुअली मुझे भी अभी एडवांस पाइथन का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। केवल मैं आपके लिए डिस्कस क्या करने वाला हूँ, सी पाइथन। दूसरी बात, किसी भी पाइथन इंटरव्यू के अंदर आपको इन रिमेनिंग पाइथन के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जस्ट बेसिक थ्योरी पूछा जा सकता है जो मैंने अभी डिस्कस किया सेम। लेकिन आयरन पाइथन क्या करता है, रूबी पाइथन क्या करता है, या फिर एनाकोंडा पाइथन का एप्लीकेशन डेवलप करके बताओ, ऐसे आपसे कभी कोई एग्जांपल्स नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चंस किसके हों, बेस्ड ऑन पाइथन स्टैंडर्ड पाइथन विच इज डेवलप्ड बाय यूजिंग सी लैंग्वेज, क्लियर।
इसको आप जस्ट कंपेयर कर सकते हो लाइक कोर जावा और एडवांस जावा। जो एडवांस जावा सॉरी एनाकोंडा पाइथन है इसको आप कंपेयर कर सकते हो जस्ट लाइक एडवांस जावा राइट। क्योंकि एडवांस जावा में अगर आपको इस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप करना है तो यहाँ पर भी सेपरेट लाइब्रेरी है, सेपरेट टेक्नोलॉजी है लाइक सर्वलेट जेएसपी एंड वट एवर। नेक्स्ट वन क्या है, सी पाइथन में सिमिलर टू कोर जावा। और इंटरव्यू लेवल पर अगर बात करें फ्रेशर लेवल पर सबसे ज्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन किससे रेज होते हैं, कोर जावा से। एक और चीज, कोई भी पर्सन अगर पाइथन सीखना चाहता है इस लेवल तक जाना है तो फर्स्ट स्टेज उसका पाइथन ही है, मीन्स स्टैंडर्ड पाइथन और कोर पाइथन सिंपल ठीक है। जब तक आपको कोर पाइथन का नॉलेज नहीं है आगे वाला कोई भी पाइथन आपके लिए सीखना पॉसिबल नहीं है। मतलब इन फ्यूचर अगर आप AI प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हो, AI मशीन लर्निंग डेटा साइंस और डीप लर्निंग लाइक दैट, इन सभी केसेस में मतलब जब तक आपको पाइथन का नॉलेज नहीं है सिंपल स्टैंडर्ड पाइथन और सी पाइथन तब तक आपके लिए कोई भी एडवांस एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल ही नहीं है। मतलब डायरेक्टली यहाँ पर किसी के लिए मूव करना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप फ्यूचर में एनाकोंडा पाइथन भी लर्न करना चाहते हो तो आपको पहले कोर पाइथन का नॉलेज होना ही चाहिए ठीक है। आपने से किसी ने क्वेश्चन पूछा सर पाइथन का ये डेटा माइनिंग में होता है कि नहीं होता, तो डेटा माइनिंग एक टाइप से डेटा साइंस में कवर हो जाता है ठीक है। इस डेटा माइनिंग का मतलब एक्चुअली डेटा को एनालाइज करके फैक्ट्स जनरेट करना, तो डेटा साइंस ही रिलेटेड है सेम कॉन्सेप्ट। तो डेटा माइनिंग में भी जो होता है मतलब जहाँ डेटा वर्ड है वहाँ पाइथन है नो डाउट। ये तो जस्ट क्या हो गया फ्लेवर्स ऑफ पाइथन एंड एडवांटेज, सॉरी एडवांटेज भी डिस्कस किए थे, एडवांटेज मीन्स जस्ट फीचर्स के फॉर्म में राइट। नेक्स्ट वन में डिस्कस करने जा रहा हूँ व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पाइथन। इसे आपका इंटरेस्टेड फील्ड है क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि पाइथन सबसे पॉपुलर है। वन मोर केस, यहाँ पर ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए, पाइथन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कब हुआ था, 1991 ऑफिशियली, और जावा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1995। तो पिक्चर में या मूवी में सबसे पहले कौन आया, पाइथन और जावा, पाइथन। लेकिन आपने देखा हुआ इनिशियली 2010 और 2012 तक पाइथन इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था, लेकिन आपने देखा है लास्ट फ्यू ईयर्स में पाइथन सडनली रैपिडली यूज हो रहा है। लास्ट फ्यू ईयर्स में ये 4 or 5 or 6 ईयर की अगर बात करें तो पाइथन सबसे ज्यादा फॉलो होना स्टार्ट हुआ। तो मीन्स यहाँ पर आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि पाइथन के एकदम से या सडनली इसके पॉपुलर होने का रीजन क्या है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि पहले पाइथन पाइथन नहीं था या ये फीचर्स नहीं थे, सब कुछ था, लेकिन इससे पहले पाइथन इतना पॉपुलर क्यों नहीं था, क्या रीजन रहा होगा इसका। सिंपल रीजन है पाइथन जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पाइथन मोस्ट सुटेबल किसके लिए है, फॉर डेवलपिंग AI मशीन लर्निंग एप्लीकेशन डेटा साइंस डीप लर्निंग लाइक दैट राइट। इस टाइप के एप्लीकेशन को डेवलप करने के पाइथन मोस्ट सुटेबल है। लेकिन आपने देखा अप टू फ्रॉम 1992 2010 और 2008 समथिंग देखा जाए तो जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट था इसका ट्रेंड टोटली डिफरेंट था। मतलब एट दैट पीरियड ऑफ टाइम इस टाइप के एप्लीकेशंस पॉपुलर ही नहीं थे। मतलब इन एप्लीकेशंस का AI मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के ट्रेंड में ही नहीं थे। मतलब इन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री का कोई मेन फोकस था ही नहीं। पाइथन तो तभी भी इनके लिए सुटेबल था लेकिन एट दैट टाइम ये प्रचलन में ही नहीं थे। बोल सकते हो AI और मशीन लर्निंग बेस्ड एप्लीकेशन पॉपुलर कब हुए, जस्ट 2012 के बाद, धीरे धीरे मीन्स जब से एंड्रॉयड फोन आया स्मार्टफोन आए उसके बाद ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुए राइट। जैसे ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉपुलर हो उसके साथ साथ पाइथन भी पॉपुलर होना स्टार्ट हो गया, दैट इज द रीजन। क्लियर है। नेक्स्ट वन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पाइथन, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पाइथन, बोल सकते हो जस्ट डिसएडवांटेज। क्या क्या लिमिटेशन हो सकते हैं आप में से किसी ने क्वेश्चन किया है गूगल ने पाइथन को यूज किया है राइट। पाइथन को केवल गूगल ने यूज नहीं किया है, वर्ल्ड के जितने भी पॉपुलर कंपनी हैं समथिंग गूगल फेसबुक राइट, फेसबुक याहू सेमएस नेटफ्लिक्स ठीक है, ये सारे जितने भी पॉपुलर एप्लीकेशन है जैसे स्पोटिफाई आपने नाम सुना हो, स्पोटिफाई समथिंग जो भी है, इस टाइप के और भी कई सारे केसेस हैं जितने भी मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी या
वेंडर कंपनी, मोस्ट ऑफ कंपनी करेंटली पाइथन का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है ये केवल पाइथन का यूज कर रहे हैं, ये बोलना कंप्लीटली रॉन्ग होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल गूगल का कोई एप्लीकेशन है, ठीक है, गूगल ही गूगल सर्वर की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि गूगल सर्वर या एफ भी कंप्लीटली पाइथन में डेवलप हुआ है, मतलब इसके अंदर हो सकता है उसका कुछ पार्ट .NET में बना हो, जस्ट माय अजम्पशन, हो सकता है इसका कुछ पार्ट या कुछ मॉड्यूल्स जावा में डेवलप हुए हो सकता है इसका कुछ पार्ट पाइथन में डेवलप हुआ है, राइट। मतलब कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी वेंडर कंपनी हो सकता है पाइथन को कंप्लीटली यूज ना कर रहा हो, लेकिन इनमें से जो जितने भी पॉपुलर कंपनी, मोस्ट ऑफ पॉपुलर कंपनीज पाइथन को जस्ट या तो कंप्लीटली यूज करते हैं या फिर पार्शियली फॉर डेवलपिंग सम ऑफ मॉड्यूल्स, मींस गूगल के अंदर ही जस्ट रिक्वायर किया जस्ट डेटा एनालिसिस, तो हो सकता है डेटा एनालिसिस के लिए पाइथन बेस्ट है, तो उस केस में गूगल ने यूज क्या किया हो, जस्ट डेटा एनालिसिस। सेम एज डेटा एनालिसिस एफ में भी फ्रिक्वेंटली यूज होता है, तो यहाँ पर भी सूटेबल क्या, जस्ट पाइथन। तो ऐसा नहीं बोल सकते सॉफ्टवेयर कंप्लीटली पाइथन में डेवलप हुए, लेकिन इनका कुछ पार्ट पाइथन से डेवलप हुआ, दैट्स इट, ठीक है। तो जितने मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं या मोस्ट पॉपुलर कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ पॉपुलर इंडस्ट्री कंपनीज और MNCs फॉलो क्या करते हैं, पाइथन लैंग्वेज। आपको पता करना है ऐसे कितने लैंग्वेज हैं जो सॉरी ऐसे कितने सॉफ्टवेयर कंपनी जो पाइथन का यूज करते हैं, इस आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, तो मुझे यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, आप फ्री टाइम में चेक कर सकते हो, ठीक है। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ पाइथन, फर्स्ट लिमिटेशन, पाइथन मोस्ट ऑफ केसेस में देख रहे तो पाइथन से रिलेटेड कई सारे सूटेबल लाइब्रेरी अवेलेबल हैं, डिफरेंट डिफरेंट एरिया एप्लीकेशन एरियाज में काफी पॉपुलर है, लेकिन अभी भी करेंटली देखा जाए तो पाइथन के केसेस में पाइथन का यूज करके मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल है क्या, इट इज नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस करेंटली, हो सकता है फ्यूचर में ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए सूटेबल हो, अभी करेंटली सूटेबल नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो सभी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आप एक्सपेक्ट क्या करते हो, सम रेडीमेड लाइब्रेरी, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज का यूज करके वेबसाइट डेवलप करना पॉसिबल है क्या, नहीं। क्वेश्चन प्रॉपरली सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ, सी की बात करें सी के थ्रू सिस्टम लेवल के सॉफ्टवेयर डेवलप करना पॉसिबल है, लेकिन मैं जस्ट बात कर रहा हूँ सी का यूज करके वेबसाइट और वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल है क्या, नेवर। मींस आपने अभी तक वर्ल्ड में कोई भी वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट का नेम सुना है जो सी का यूज करके डेवलप किया गया है, ऐसा कोई वेबसाइट नहीं है। सेम है सी प्लस प्लस का यूज करके डेवलप करना पॉसिबल है क्या, नहीं। प्रॉपरली सुना इसको, लेकिन वेबसाइट्स के लिए जावा सूटेबल है कि नहीं, जावा सूटेबल, मीन्स जावा का यूज करके वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल है, राइट। और जावा की बात करें तो जावा इटसेल्फ, जावा भी तो सॉफ्टवेयर है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नो डाउट, जावा भी सॉफ्टवेयर, लेकिन जावा इटसेल्फ किस में डेवलप हुआ है, जावा इटसेल्फ सी लाइब्रेरी में डेवलप हुआ है, याद रखना। जावा का कंप्लीट जो JVM कोडिंग है, जावा किस में राइट हुआ है, सी लैंग्वेज में। तो आप खुद सोचो जब जावा के थ्रू वेबसाइट डेवलप करना पॉसिबल है तो क्या सी लैंग्वेज के थ्रू पॉसिबल नहीं होंगे, 100% होना चाहिए। जब सी जावा को बना सकता है और जावा वेबसाइट को बना सकता है तो क्या सी के थ्रू वेबसाइट डेवलप करना पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली पॉसिबल होना चाहिए, राइट, और है भी। लेकिन फिर भी सी में कोई भी वेबसाइट डेवलप नहीं करता, उसका रीजन क्या है, ऐसा नहीं बोल सकते कि सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस में वेब एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल नहीं, 100% पॉसिबल है, लेकिन फिर भी कोई भी वेंडर कंपनी वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए, कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉई वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए सी का यूज नहीं करता। रीजन, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर वेबसाइट्स को डेवलप करने के लिए कोई रेडीमेड सपोर्ट नहीं है, मतलब कोई प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शंस नहीं है, प्रीडिफाइंड लाइब्रेरी सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इसलिए अगर आप सी में वेबसाइट डेवलप करोगे तो होल रिक्वायरमेंट्स के लिए पूरा का पूरा कोड आपको हो सकता है खुद से राइट करना हो, इसलिए सी वेबसाइट के लिए सूटेबल नहीं, राइट। लेकिन जावा के थ्रू पॉसिबल है, क्योंकि किसी पर्सन ने सी का यूज करके जावा के अंदर कुछ प्रीडिफाइंड लाइब्रेरीज प्रोवाइड किए हैं, उन लाइब्रेरी का यूज करके आपके लिए वेब एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल है। सेम एज पाइथन के थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल नहीं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अभी तक पाइथन ने कोई भी रेडीमेड लाइब्रेरी प्रोवाइड नहीं किया है। पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, लेकिन अगर आप कोई भी डेवलपर पाइथन में मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करना स्टार्ट करेगा तो उस केस में होल कोड खुद से राइट करने की नीड होगी, राइट। कोई रेडीमेड लाइब्रेरी सपोर्ट है क्या, नहीं।
हो सकता है फ्यूचर में, अगर ऑलरेडी या अभी हो सकता है, मुझे आइडिया नहीं हो, मीन्स लास्ट फ्यू मंथ्स में इसका कोई लाइब्रेरी कोड अवेलेबल हो गया हो, तो हो सकता है पाइथन भी मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल हो। लेकिन करंटली अगर बात करें, रिसेंटली पाइथन के लिए कोई भी पॉपुलर रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन। देयरफॉर इट इज नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशन, इट इज नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। रीजन क्लियर है सबको? बिकॉज बिकॉज देयर इज नो रेडीमेड लाइब्रेरी, नो रेडीमेड लाइब्रेरी अवेलेबल फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्लीकेशंस। मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला कि इससे मोबाइल एप्लीकेशंस डेवलप करना पॉसिबल नहीं, लेकिन कोई भी कंपनी मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पाइथन में यूज नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए कोई भी रेडीमेड सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकेंड लिमिटेशन क्या है इसका? एट द एंड ऑफ द लिमिटेशंस, बोलो, जैसा कि किसी ने एक पॉइंट सेंड भी किया है, इट इज नॉट सूटेबल फॉर मल्टी कोर प्रोसेसर, संदीप वर्मा ने भेजा है। हाँ संदीप वर्मा जी, आप पिंटू हो क्या? हाँ संदीप के नाम से समझ नहीं आ रहा है, पिंटू भैया, गुड, पिंटू तो होशियार हो गया अपना। हाँ लड़का समझदार हो गया है। नेक्स्ट केस क्या पाइथन के लिए? व्हाट इज द अनदर पॉइंट? इट इज नॉट अप टू द मार्क फॉर परफॉर्मेंस लेवल। परफॉर्मेंस लेवल पर अभी भी पाइथन अप टू मार्क नहीं, मीन्स मार्केबल लैंग्वेज नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट लैंग्वेज है। जस्ट जैसा कि मैंने डिस्कस किया, पाइथन ट्रांसलेशन पर्पज इंटरप्रेटर का यूज करता है, तो इसलिए अदर लैंग्वेज के कंपेरिजन में लिटिल बिट इसका परफॉर्मेंस लो हो सकता है, राइट? Since it will using interpreter, therefore we can say at performance level it is not up to mark. राइट मींस परफॉर्मेंस जस्ट इसका अ लिटिल बिट डाउन है। अदर केस क्या बोल सकते हो? एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक और एप्लीकेशन टाइप है जो कि काफी पॉपुलर है, मींस एंटरप्राइज एप्लीकेशंस मींस जस्ट बिजनेस लेवल एप्लीकेशंस। ठीक है, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी कौन सा है? विच टेक्नोलॉजी इज मोस्ट सूटेबल फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशन? जस्ट जावा। इस मोस्ट ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप किस में होते हैं? जावा में। प्रोजेक्ट्स की बात करें तो सभी प्रोजेक्ट का डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट होता है। किसी का हो सकता है 1 लाख डेवलपमेंट कॉस्ट हो, मे बी 2 लाख, मे बी 2 बिलियन, मे बी 2 मिलियन, लाइक दैट, राइट? इस प्रोजेक्ट्स अरबों और करोड़ में हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉस्टली प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कौन से हैं? एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, एंटरप्राइज प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा कॉस्टली है। और ये प्रोजेक्ट डेवलप किस में होते हैं? जावा में। यही रीजन है जावा डेवलपर का सैलरी सबसे ज्यादा होता है। जावा में प्लेस तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार प्लेसमेंट हो गया तो जो ग्रोथ जावा में मिलता है वो वर्ल्ड का कोई लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, मुझे जावा में फिलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जस्ट बात कर रहा हूं अबाउट एंटरप्राइज एप्लीकेशन। तो पाइथन की बात करें, पाइथन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए भी सूटेबल नहीं है, राइट? क्यों? एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए अगेन कोई रेडीमेड लाइब्रेरी सपोर्ट अवेलेबल नहीं। जस्ट आप बोल सकते हो इट इज नॉट सूटेबल फॉर डेवलपिंग एंटरप्राइज एप्लीकेशंस। एंटरप्राइज एप्लीकेशन मीन्स जस्ट बिजनेस, और बिजनेस एप्लीकेशन मोस्टली यूज कौन करता है? जस्ट बैंकिंग सेक्टर और जस्ट स्टॉक मार्केट और मार्केटिंग, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हो अमेजन, फ्लिपकार्ट, अमेजन भी पाइथन का यूज करता है लेकिन डिफरेंट पर्पज से, एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए डेवलप नहीं करता, याद रखना।
जो अमेजन है, अमेजन अपने आप में क्या है, जस्ट वेंडर कंपनी, तो अमेजन के अंदर भी डेवलपमेंट होता है। हो सकता है अमेजन के वेबसाइट में कुछ सर्विसेज यूज करने के लिए कुछ सर्विसेज पाइथन में प्रोवाइड किए गए हो, राइट। लेकिन अमेजन की बात करें, मोस्टली जो अमेजन की कैटेगरी, वो किस कैटेगरी में आता है, अमेजन या फ्लिपकार्ट एंटरप्राइज एप्लीकेशंस की कैटेगरी में काउंट होता है। तो इस लेवल के एप्लीकेशन डेवलप करना, जैसे SBI एप्लीकेशन हुआ, SBI प्रोजेक्ट, ICICI प्रोजेक्ट, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट मोस्टली डेवलप किस में, वो यूजिंग जावा, ठीक है। इनमें से कोई भी प्रोजेक्ट कंप्लीटली पाइथन में अवेलेबल नहीं, मीन्स इसका कोई स्मॉल पार्ट हो सकता है जो कि पाइथन में डेवलप हुआ। किस पर्पज से, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं अगर अमेजन की बात करूं, तो अमेजन के केस में कई बार आपने देखा, जैसे ही अमेजन या फ्लिपकार्ट आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, राइट, इमीडिएटली उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आपको जस्ट एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में दिखने लगते हैं। तो ये जो केस है, ये किसका पार्ट है, जस्ट डेटा एनालिसिस का पार्ट। किसका पार्ट है, डेटा एनालिसिस। ये जो आपको एडवर्टाइजमेंट्स दिख रहे हैं, यहाँ पर जो बैकग्राउंड में डेटा एनालिसिस हो रहा है, हो सकता है उस केस में बैकग्राउंड में यूज किया हो रहा है पाइथन, लेकिन इसका जो एक्चुअल कोडिंग, वो डेवलप किसमें हुआ है, जस्ट बाय यूजिंग जावा, लाइक दैट, ठीक है। तो पाइथन अगेन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है। मल्टी कोर प्रोसेसर को सपोर्ट नहीं करता, जैसा कि आप देख रहे हैं करेंट डेज में मल्टी कोर प्रोसेसर काफी पॉपुलर है। जैसे आपने नेम सुना होगा ऑक्टा कोर, राइट, ऑक्टा कोर प्रोसेसर, हेक्सा कोर प्रोसेसर, लाइक दैट। ऑक्टा कोर का मतलब क्या है, यहाँ पर जस्ट प्रोसेसर लॉजिकली कितने पार्ट्स में कंसिडर होता है, मतलब इस प्रोसेसर के लिए पैरेलली कितने इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करना पॉसिबल, ऑक्टा मीन्स जस्ट 8। तो इसमें कितने कोर प्रोसेसर यूज होते हैं, जस्ट ऑक्टा। एक्चुअली फिजिकली प्रोसेसर सिंगल होगा, लेकिन लॉजिकली प्रोसेसर 8 कोर्स में डिवाइड होता है, इसलिए इसको नेम क्या दिया जाता है, जस्ट ऑक्टा कोर। सेम एज मे बी एज हेक्सा कोर, मुझे नहीं पता अभी तक हेक्सा कोर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ कि नहीं हुआ, राइट, लाइक दैट। हो सकता है किसी में 4 कोर्स हो, लाइक दैट। यहाँ पर जो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, इसके लिए कोई भी प्रोसेस पैरेलली 8 फॉर्मेट में, 8 पैरेलली 8 प्रोसेसिंग या 8 एग्जीक्यूशन पॉसिबल है, जस्ट लाइक अ मल्टी थ्रेडिंग। पाइथन की बात करें, पाइथन भी मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है, याद रखना, लेकिन ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। इट डजंट सपोर्ट्स इट डजंट सपोर्ट्स ऑक्टा मीन्स मल्टी मल्टी कोर प्रोसेसर्स। इसके अलावा कोई डिसएडवांटेज, और भी छोटे मोटे डिसएडवांटेज हो सकते हैं, मैंने अभी जस्ट मेन डिसएडवांटेजेस हाईलाइट किए हैं, ठीक है। इट इज नॉट सूटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, इट इज नॉट सूटेबल फॉर एंटरप्राइज एप्लीकेशन, इट इज नॉट अप टू द मार्क फॉर परफॉर्मेंस लेवल, इसका परफॉर्मेंस लिटिल बिट स्लो है कंपेयर टू अदर, ठीक है। जो इसके अंदर जस्ट पाइथन का एक और वर्जन है जिसके थ्रू, याद रखना, बाय डिफॉल्ट ये जो वर्जन आप यूज कर रहे मल्टी थ्रेडिंग को बाय डिफॉल्ट सपोर्ट नहीं करते, लेकिन मल्टी थ्रेडिंग के लिए पाइथन का एक सेपरेट फ्लेवर अवेलेबल है, तो इसको क्या बोला जाता है, जस्ट स्टैकलेस। मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन को दूसरा नाम दिया जाता है मल्टी प्रोसेसिंग, और ऑल्सो नोन एज स्टैकलेस एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जस्ट अपने पाइथन के बेसिक्स कंप्लीट हुए। नेक्स्ट लेवल पर डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू इंस्टॉल पाइथन, ठीक है। अब काफी टाइम हो सकता है वेट कर रहे हो, हाउ टू इंस्टॉलिंग पाइथन। पाइथन का इंस्टॉलेशन काफी सिंपल है। पाइथन सॉफ्टवेयर किसी पर्सन के लिए डाउनलोड करना पॉसिबल, जस्ट फ्रॉम python.org वेबसाइट्स, ठीक है। जस्ट मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, एनीबडी कैन इंस्टॉल पाइथन फ्रॉम python.org वेब एप्लीकेशन, ठीक है। तो जस्ट इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी सिंपल है, मेरे पीसी में, मेरे मशीन में पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, फिर भी जस्ट मैं इसका केस आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। जस्ट ओपन गूगल। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों ने अभी तक पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया है, ऐसा कोई है क्या? हो सकता है मोस्ट ऑफ पर्सन ने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया हो। तो आपको यहाँ पर जस्ट क्या शो रहा है, python.org, पाइथन का आइकन भी शो रहा है, राइट, python.org। यहाँ पर क्या सो रहा है आपको, जस्ट डाउनलोड डाउनलोड। पाइथन का लेटेस्ट वर्जन क्या सो रहा है, पाइथन 3.9.1, राइट, लेटेस्ट वर्जन। तो इसको आप जस्ट
3.9 के पहले क्या रहा होगा, मे बी 3.8, 3.67 लाइक दैट। तो 3.7 और 3.8 और 3.9 इनको जस्ट काउंट किया जाता 3.x, जैसा मैंने सिलेबस में मेंशन किया था आपके लिए पाइथन 3.x। 3.x में एक्चुअली 3.x नाम से कोई वर्जन रिलीज नहीं होता है। x का मतलब क्या है, मे बी 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, मतलब इसके जस्ट जो फर्स्ट पाइथन वर्जन था वो क्या था, पाइथन 0.9, जो कि 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ। उसके बाद आज हम नेक्स्ट पाइथन वर्जन 1994 में इंट्रोड्यूस हुआ था, पाइथन 1.x, ठीक है। उसके बाद शायद 2004 में, एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वर्जन इसका क्या है, 2.x। नेक्स्ट वर्जन करेंट वर्जन क्या, 3.x। तो 3.x में सारे के सारे केस आ जाते, मे बी 3.0, 3.1, 3.2, राइट, और मे बी 3.20 लाइक दैट। ये सारा पार्ट रिमेनिंग पार्ट केस में कंसिडर जस्ट 3.x। पाइथन के साथ एक स्पेशल फीचर कंसिडर किया जाता है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। क्या है, बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी। विंडोज 7 में ऐसा नहीं बोल सकते हैं पाइथन सपोर्ट नहीं कर रहा, पाइथन तो होगा, और डिपेंड करता है कि विंडोज 7 पाइथन के किस वर्जन को सपोर्ट नहीं कर रहा। जो पाइथन वर्जन विंडोज 7 के बाद लॉन्च हुए होंगे उनको वो कैसे सपोर्ट कर सकता है, विंडोज 7 केवल पाइथन के उन्हीं वर्जन को सपोर्ट कर सकता है जो विंडोज 7 से पहले लॉन्च हुए हैं। ये तो जस्ट जनरल थिंग है, कॉमन सेंस वाली बात है, राइट। पाइथन 3.x में कई सारे मीन्स पाइथन वर्जन, लेकिन करेंट पाइथन वर्जन क्या है, समथिंग 3.9। जस्ट आपके लिए 3.9 python.org वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पॉसिबल। लेकिन याद रखना पाइथन के केसेस में मैंने आपको बताया था पाइथन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, लेकिन पाइथन इंटरनली एक सॉफ्टवेयर या मशीन यूज करता है, या बोल सकते हैं जस्ट एज अ असिस्टेंट और एज अ टूल। मतलब पाइथन के अंदर सब कुछ हैंडल कौन करता है, जैसे जावा में आपने सुना हुआ JVM, उसी टाइप से पाइथन के अंदर स्पेशल सॉफ्टवेयर है कॉल्ड एज PVM, Python Virtual Machine। इंटरव्यू में क्वेश्चन काफी पॉपुलर है, कौन सा, Python is platform independent or not? Python platform independent है या नहीं, ये तो आपको पता है, yes, Python is platform independent। Python के अंदर क्या यूज होता है, PVM, Python Virtual Machine। इसके बारे में भी आगे चल के मैं डेप्थ में डिस्कस करूंगा, ठीक है, क्योंकि इंपोर्टेंट पार्ट है आपके लिए। PVM के केसेस में बात करें तो PVM भी पूछ लिया जाता है, PVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, रिप्लाई करो इसके लिए, इस PVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। PVM इज पाइथन सॉफ्टवेयर, दैट्स इट, जो पाइथन का सॉफ्टवेयर है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। सही है, बाकी लोग भी रिप्लाई करो, कोई प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट वाला तो नहीं है, कुछ लोग डिपेंडेंट वाले हैं। आपने अमित पाइथन और आईडीएलई में डिफरेंस पूछा है, जब भी कोई क्वेश्चन पूछा करो तो आप पब्लिकली भेजो उसको, ठीक है, और जस्ट ये डिफरेंस में भी आगे डिस्कस करने वाला हूँ, तब तक के लिए आप वेट कर लो। कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा पाइथन इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, कुछ लोगों का रिप्लाई आ रहा पाइथन इज मींस PVM, पाइथन सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं ना कि लैंग्वेज, ठीक है। पाइथन प्रोग्राम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नो डाउट, ये पॉइंट किसके लिए, पाइथन एप्लीकेशन और पाइथन प्रोग्राम्स के लिए, मैं बात कर रहा हूं पाइथन सॉफ्टवेयर मींस PVM, इट इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। अगर ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता तो फिर यहां पर ऐसा लिख के क्यों आता, आपने भी क्या देखा इस केस में, अगेन चेक करो, डाउनलोड पाइथन फॉर विंडोज, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पाइथन सॉफ्टवेयर इसके साथ आपके मशीन में अवेलेबल होने वाला क्या है, PVM, राइट। अगर ये PVM सभी प्लेटफॉर्म में वर्क कर रहा है तो फिर यहां पर डाउनलोड फॉर विंडोज क्यों लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, इस लिंक में जो पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने वाला है वो विंडोज स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है, मतलब ये PVM केवल विंडोज मशीन को सपोर्ट करेगा, मैक या लिनक्स को सपोर्ट करेगा क्या, नहीं, लिनक्स और मैक के लिए हो सकता है सेपरेट सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो। अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करोगे सम अदर वर्जन तो आपको
चेक करो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके लिए पाइथन का सोर्स कोड भी देखना पॉसिबल है या सोर्स कोड डाउनलोड करना पॉसिबल है। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट अदर सपोर्टेड ओएस आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहा है, सोर्स कोड विंडोज मैक लाइक दैट और अदर सम लाइसेंस। ठीक है, लाइसेंस का पर्पज क्या है, अगर आप जैसा कि आपको बताया गया था पाइथन कंप्लीटली फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर है, आपको कोई भी अमाउंट ऑफ पैसा डाउन पे करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आप चैरिटी पर्पज से कुछ भी पे करना चाहते हो तो आप जस्ट पे कर सकते हो। आपसे जस्ट ऑप्शन में भी पूछेगा, जब आप डाउनलोड करोगे तो आपसे आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा। फिलहाल आप देख रहे हो अभी विंडोज वाला पाइथन सो रहा है, अगर आपको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो तो उस केस में आपको मैक ओएस डाउनलोड करना पड़ेगा। सेम है लिनक्स और सम अदर, सारे के सारे केस अवेलेबल होंगे। फर्स्ट टॉप लेवल पर क्या हो रहा है, और रिलीजेस, वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट पाइथन सॉफ्टवेयर मिलने के चांसेस हैं, लेकिन मैं विंडोज यूज करता हूं इसलिए मेरा इंटरेस्ट किस में, जस्ट ओनली विंडोज। क्या है, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, क्या है, पाइथन 3.9.1। जस्ट इसको डबल क्लिक करो, सॉरी सिंगल क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, लिनक्स यूनिक्स मैक लाइक दैट, राइट। जस्ट इस हाइपर लिंक को क्लिक करके आपके लिए पाइथन इंस्टॉल करना पॉसिबल है। क्लियर, आप पाइथन डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पर आईडीएम सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। आप जैसे ही इस हाइपरलिंक को क्लिक करोगे इमीडिएटली बैकग्राउंड में पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको डाउनलोड करने के बाद ऑब्जर्व करना, यहाँ पर आप जब इनिशियली पाइथन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, मैं एक बार वेरीफाई कर लूं मैंने इसको कहां पर लास्ट टाइम डाउनलोड किया था। करेंटली अवेलेबल नहीं है, जस्ट मैं आपको जस्ट इसका गाइडलाइन बता रहा हूँ, अगर आप नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, इंस्टॉल नहीं कर पाते, मैं इसका आपको वीडियो बनाकर सेंड कर दूंगा सेपरेटली। ठीक है, अभी मेरे मशीन में क्या है, इसको डाउनलोड करने का परमिशन नहीं है, मतलब बिकॉज ऑफ आईडीएम सॉफ्टवेयर, उसको पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद मेरे लिए भी डाउनलोड करना पॉसिबल। यहाँ पर एक ऑप्शन हो रहा है डोनेट, क्या है, डोनेट, अगर आप कुछ अमाउंट चैरिटी पर्पज से डोनेट करना चाहते हो फॉलो कर सकते हो, आपकी चॉइस है। डाउनलोड करने के बाद इनिशियली जस्ट मैं इसका प्रोसेस आपको बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन फ्रॉम python.org। नेक्स्ट वन, जब आप अपने पीसी में इसको डाउनलोड करोगे तो जो पाइथन सॉफ्टवेयर है इनिशियली जिप फाइल्स के फॉर्म में होगा, मींस कंप्रेस्ड फाइल्स के फॉर्म में। कोई भी सॉफ्टवेयर जब आप डाउनलोड करते हो वो हमेशा कंप्रेस्ड फाइल के फॉर्म में होता है। रीजन क्यों, हो सकता है सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ फोल्डर्स डाउनलोड हो रहे हो और फोल्डर्स कभी भी नेटवर्क में डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होते हैं। आप में से किसी ने कभी फोल्डर को डायरेक्टली सेंड किया क्या, नहीं। अगर आप किसी फ्रेंड को फोल्डर मैसेज करना सॉरी मेल करना चाहते हो तो सबसे पहले उसको आप कंप्रेस्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हो बाय यूजिंग सम कंप्रेसिंग सॉफ्टवेयर और जिप फॉर्मेट, राइट। जिप फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद सेंड करना पॉसिबल। तो सिमिलरली पाइथन सॉफ्टवेयर भी जस्ट कंप्रेस्ड फाइल्स के फॉर्म में डाउनलोड होता है, उसके बाद जस्ट इसको अनकंप्रेस करोगे। तो अनकंप्रेस करने के लिए याद रखना आपके पीसी में ऑलरेडी कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, समथिंग विनरार, ठीक है। तो आप पाइथन इंस्टॉल करने से पहले, डाउनलोड करने से पहले आप विनरार सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो, ये भी फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और मैं आपको जो रेगुलर टेक क्लास मटेरियल सेंड करता हूँ वो भी रार फाइल के फॉर्म में सेंड करता हूँ। तो अगर आपके पीसी में फाइल्स ओपन नहीं होते हैं तो पहले आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहिए, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। आप में से कई सारे ऐसे पर्सन होते हैं ये छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कॉमनली सबके लिए डिस्कस करना चाहता हूँ, पहले विनरार सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, उसके बाद इस फाइल को अनकंप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी। अनकंप्रेस करने का मतलब क्या है, इसमें जितने भी कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स को जस्ट फोल्डर और फाइल्स के फॉर्म में व्यू करना, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, अनकंप्रेस और जस्ट डीकंप्रेस द डाउनलोडेड जिप फाइल्स। इसको डाउनलोड कर लोगे उसके बाद आपको सेटअप फाइल मिल जाएगा। तो सेटअप फाइल को जस्ट नेक्स्ट स्टेप क्या है, डबल क्लिक ऑन पाइथन रिलेटेड
सेटअप डॉट ई एक्सी फाइल समथिंग, इस टाइप का ऐसा कोई फाइल मिल जाए उसको, जैसे आप नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो उसी टाइप से पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। आपको एक सिंगल नया स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है। इस देखा जाए तो किसी अदर सॉफ्टवेयर के कंपेरिजन में पाइथन का इंस्टॉलेशन सबसे सिंपल है, दूसरी बात। लेकिन जब आप डाउनलोड करोगे तो मिडिल में आपको एक ऑप्शन पूछा जाएगा चेकबॉक्स के फॉर्म में, ठीक है। जस्ट जो पाइथन डॉट ई एक्सी है, आप जैसा देखते हो कमांड प्रॉम्प्ट से मैं पाई टाइप करता हूँ, पाइथन टाइप करता हूँ, कमांड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, कोई एरर शो हो रहा है क्या? नहीं, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, राइट। सिमिलरली अगर आप चाहते हो पाइथन इंस्टॉल करने के बाद बाई डिफॉल्ट पाइथन सॉफ्टवेयर या पाइथन कमांड या फिर पाई कमांड आपके लिए कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल नहीं है। ये कमांड तभी यूज कर सकते हैं जब ये पाथ में एडिड होगा, पाथ के अंदर, राइट। तो एक तो प्रोसेस क्या है, या तो आप पाइथन सॉफ्टवेयर को ऑलरेडी डाउनलोडिंग टाइम पर, सॉरी इंस्टॉलेशन टाइम पर पाथ में ऐड कर सकते हो। ये फैसिलिटी केवल पाइथन में, जावा में नहीं है, राइट। मतलब पाथ जावा में भी सेट होता है, नो डाउट। आपने देखा अगर आप में से कोई भी जावा डेवलपर है तो वहां पर जावा सी और जावा कमांड के लिए पाथ सेट करने की जरूरत पड़ती है। तो सिमिलरली अब अगर आप पाइथन या फिर पाई कमांड यूज कर रहे हो तो इसका भी पाथ सेट करने की नीड होती है। दो चॉइस है, या तो आप ऑलरेडी इंस्टॉलेशन टाइम पर आपके पास ऑप्शन आएगा या आपसे पूछेगा, उसको केयरफुली रीड करना, ठीक है। रीड करने के बाद उसके लेफ्ट में आपको चेकबॉक्स बटन दिखेगा। मीन्स जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो इस टाइप से कोई चेकबॉक्स आएगा मिडिल में ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन। इस चीज का विशेष ध्यान रखना आपको स्पेशली, राइट। यहाँ पर क्या रहेगा, समथिंग एड टू पाथ, समथिंग एड टू पाथ python.exe समथिंग लाइक दैट। इस टाइप का जब भी आपको ऑप्शन मिले तो जो चेकबॉक्स है उसको इमीडिएटली चेक्ड बनाना है, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इसको चेक्ड बना दिया तो इंस्टॉलेशन के बाद आपके लिए पाइथन डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल हो जाएगा। उसके बाद पाइथन के कॉन्फिगरेशन के लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस पॉइंट का स्पेशली ध्यान रखना है। डबल क्लिक ऑन पाइथन इंस्टॉल एज अ नॉर्मल सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसी में से मिडिल में एक स्टेप आएगा, क्लिक द चेक बॉक्स, क्लिक द और चेक द, क्लिक मीन्स जस्ट चेक बनाना इसको, क्लिक द चेक बॉक्स, चेक बॉक्स बटन फॉर एडिंग पाइथन कमांड टू इट्स पाथ। मतलब अगर आपने इसको चेक्ड कर दिया देन आपके लिए पाइथन कमांड कमांड प्रॉम्प्ट से डायरेक्टली एंटर करना पॉसिबल है। अगर आप करेंटली लैपटॉप के सामने बैठे हुए हो तो अगर आपने अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर दे पाई या पाइथन एंटर करोगे तो ये क्या देगा, समथिंग पाइथन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड। जैसे मैंने एबीसी एंटर किया तो एबीसी के लिए क्या आ रहा है, ABC is not recognized is an internal or external command। Same error आपको Python के केस में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आप चाहते हो आगे आपको ट्रबल ना करना पड़े तो इसलिए जस्ट इसको क्लिक कर देना, और इसके अलावा कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं। एज ए नॉर्मल सॉफ्टवेयर आपके लिए डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पॉसिबल है, ठीक है। और इस बिंदास सॉफ्टवेयर का ध्यान रखना, नहीं तो अनकम्प्रेस नहीं हुआ या डीकम्प्रेस नहीं हुआ। तब फिर भी इसके बावजूद भी किसी को भी पाइथन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉब्लम आ रहा है या ओपन करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी डिस्कस कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर सकते हो या नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो, ठीक है। तो एज्यूम करके चल रहा हूँ आप सभी लोग पाइथन सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लोगे। उसके बाद अगर आपने इस पाथ वाले चेकबॉक्स को क्लिक कर रखा है तो आपके लिए डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन, इंस्टॉलेशन के बाद आफ्टर इंस्टॉलेशन हाउ टू डेवलप मीन्स हाउ टू क्रिएट एंड रन, क्रिएट मीन्स जस्ट राइट हाउ टू क्रिएट एंड रन फर्स्ट पाइथन एप्लीकेशन। पाइथन एप्लीकेशन डेवलपमेंट जस्ट डिफरेंट प्लेसेस से पॉसिबल है। फर्स्ट वन इनिशियली वी कैन डेवलप राइट और एग्जीक्यूट, वी कैन डेवलप Python application by using given process, ठीक है। मैं जस्ट इसके प्रोसेस मेंशन कर रहा हूँ, फर्स्ट वन यूजिंग IDLE टूल, ठीक है। जब आप Python इंस्टॉल करोगे तो Python के साथ साथ आपके मशीन में एक और एडिशनल टूल इंस्टॉल हो जाता है अलॉन्ग विथ Python सॉफ्टवेयर। इसका नेम क्या है, जस्ट IDLE।
वर्किंग क्या है, इसको यूज कैसे करेंगे, सब कुछ मैं आपको जस्ट अभी स्टेप वाइज प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। दूसरा अप्रोच क्या है, यूजिंग नोटपैड, मींस सिंपल नोटपैड एडिटर के थ्रू भी डेवलप करना पॉसिबल है। थर्ड वन यूजिंग एडिट प्लस, एडिट प्लस भी जस्ट नोटपैड टाइप का ऑर्डिनरी एडिटर है, ठीक है। नोटपैड केवल पाइथन के लिए नहीं है, नोटपैड का यूज करके आप सी प्रोग्राम, सी प्लस प्लस प्रोग्राम, जावा, कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर सकते हो। जस्ट एग्जैक्टली ऑलमोस्ट नोटपैड के सिमिलर होगा, कौन एडिट प्लस, मतलब यहाँ पर भी आपको कोई रेडीमेड सपोर्ट नहीं मिलेगा, जस्ट नोटपैड के कंपैरिजन में लिटिल बिट एडवांस सॉफ्टवेयर है, दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके अलावा क्या है, मार्केट में पाइथन के कई सारे आईडी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल, लाइक स्पाइडर और सम अदर थिंग्स, राइट, इंटेलीजे स्पाइडर और इक्लिप्स लाइक दैट। तो आपके लिए पाइथन मीन याद रखना, जो इक्लिप्स आईडी है, इक्लिप्स का यूज करके आप जावा प्रोग्राम भी डेवलप कर सकते हो और पाइथन प्रोग्राम और पाइथन एप्लीकेशन भी डेवलप करना पॉसिबल यूजिंग रेडीमेड आईडी सॉफ्टवेयर। तो मार्केट में पाइथन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए ढेर सारे आईडी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, राइट। लेकिन स्टूडेंट लेवल पर बात करें, आपके लिए इनमें से रिकमेंडेड क्या है, आइदर नोटपैड और एडिट प्लस, ठीक है। आईडी सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आप डायरेक्टली लर्निंग लेवल पर और स्टूडेंट लेवल पर या लर्नर, अगर आप डे वन से आप आईडी सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट करोगे, देन पाइथन में आपके लिए सब कुछ क्लियरली समझना पॉसिबल नहीं है। रीजन क्यों, कई सारे प्रोसेस ऐसे होते हैं जो आईडी सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में खुद से ही उसको हैंडल कर लेता है, जैसे इंडेंटेशन पार्ट, पाइथन में इंडेंटेशन मैटर करता है जैसा कि आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो आईडी सॉफ्टवेयर में इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली खुद से मैनेज होता है, आपको कभी खुद से कुछ भी नहीं करना है एक्सप्लिसिटली। अगर आप खुद से नहीं करोगे तो कौन करेगा, आईडी सॉफ्टवेयर। तो आप प्रैक्टिस आईडी सॉफ्टवेयर का हो रहा है ना कि आपका, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपको इन थिंग्स का छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पॉइंट्स का मीनिंग परफेक्टली क्लियर हो, तो मैं आपके लिए यहाँ पर आईडी सॉफ्टवेयर कभी रिकमेंडेड नहीं बोलूंगा। 99% केसेस में सभी सॉफ्टवेयर कंपनी यूज क्या करते हैं, डेवलपमेंट पर्पस से ऑलवेज आईडी सॉफ्टवेयर और आईडी टूल्स, लेकिन स्टूडेंट लेवल पर रिकमेंडेड नहीं है। इट इज द बेस्ट चॉइस फॉर एट एम्प्लॉय लेवल और डेवलपमेंट लेवल, लेकिन लर्निंग लेवल पर आपके लिए बेस्ट टूल क्या है, नोटपैड और एडिट प्लस, इनमें से दोनों ही रिकमेंडेड है। मीन्स आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सर नोटपैड ज्यादा बेस्ट होगा या एडिट प्लस ज्यादा बेस्ट होगा, दोनों ही इक्वली मार्क्स हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर लिटिल बिट बात करें, एडिट प्लस आपके लिए ज्यादा बेस्ट चॉइस है कंपेयर टू नोटपैड, उसके रीजन आपको आगे मिल जाएंगे। क्योंकि नोटपैड में अगर आप प्रोग्राम बनाओगे तो नोटपैड के केसेस में रन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट, राइट, रिक्वायर्ड क्या होगा, कमांड प्रॉम्प्ट। लेकिन अगर आप एडिट प्लस यूज कर रहे हो तो यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट एडिट प्लस में भी यूज होगा नो डाउट, लेकिन आपको एक्सप्लिसिटली यूज करने की जरूरत नहीं है। मतलब पाइथन के यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट में आपने देखा पाइथन प्रोग्राम रन करना है, तो आपको कमांड रन करना हो, कमांड एंटर करना होगा जस्ट लाइक दैट, पाइथन देन p1 डॉट पाई समथिंग, राइट, किसमें, कमांड प्रॉम्प्ट के केस में, तभी ये एप्लीकेशन रन करना पॉसिबल। लेकिन अगर आप एडिट प्लस का यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं एडिट प्लस ओपन कर, अभी एडिट प्लस का डेवलपमेंट भी आपको सिखाऊंगा, सब कुछ रहेगा। जैसे मैंने एक प्रोग्राम टेस्टिंग करने के लिए यूज किया, जब समथिंग डेमो डॉट पाई, चेक करो यहाँ पर सॉफ्टवेयर किस, मींस पाइथन एप्लीकेशन किस सॉफ्टवेयर में ओपन हुआ है, एडिट प्लस में। तो यहाँ पर जस्ट मैंने सिंपल मैसेज डिस्प्ले कराया, प्रिंट जस्ट हेलो वर्ल्ड, फर्स्ट एप्लीकेशन किसी में भी, सी हो, सी प्लस प्लस हो या जावा हो, फर्स्ट मैसेज हमेशा आपको क्या मिलता है, हेलो वर्ल्ड एप्लीकेशन, राइट। तो यहाँ पर मैंने जस्ट इसको राइट कर लिया, सेव कर दिया, नेक्स्ट मैंने क्या, सेव इट। सेव करने के बाद अगर आपको रन करना है तो वापस आप कहाँ जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट पर टाइप क्या करोगे, जस्ट पाइथन और पाई डेमो डॉट पाई, जस्ट रन इट, आउटपुट क्या है, हेलो वर्ल्ड। लेकिन अगर मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कर दूं, जस्ट मेरे पास ओनली क्या, एडिट प्लस। दूसरा एडवांटेज देखते हैं एडिट प्लस के डेवलपमेंट के थ्रू, अगर आपने कोड राइट कर लिया और ये कोड आपको रन करना है, तो रन करने के लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने की नीड नहीं है। अब डायरेक्टली आप शॉर्टकट यूज करोगे Ctrl+1, शॉर्टकट क्या रन करने के लिए, एडिट प्लस में आपको प्रोग्राम को रन करने के लिए ऑलरेडी शॉर्टकट अवेलेबल है Ctrl+1, जस्ट मैं एंटर कर रहा हूँ Ctrl+1। मेरे केस में भी यहाँ Ctrl+1 हो सकता है वर्क ना करे, उसका रीजन है
कंट्रोल वन, एक तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए भी, दूसरा इस विंडो को जूम करने के लिए भी शॉर्टकट यूज करता हूं मैं कंट्रोल वन। एक सॉफ्टवेयर मेरे पास तो यहाँ जूम कर रहा है राइट, और मैं कंट्रोल वन प्रेस कर रहा हूँ तो जस्ट जूम कर रहा है। सबसे पहले मुझे जूम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो अवेलेबल है, या तो इसका कमांड चेंज कर दूं या इसको जस्ट स्टॉप कर दूं। ठीक है, जस्ट मैं इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूं। क्या शो हो रहा है आपको? जस्ट कंट्रोल वन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। इसके लिए शॉर्टकट क्या है? जस्ट कंट्रोल वन। यहां पर मैं इसका जस्ट कमांड चेंज कर रहा हूं, कंट्रोल फोर कर देता हूं। क्या यूज किया मैंने? समथिंग अल्ट फोर और वाट एवर, और कंट्रोल थ्री देख लेते हैं। कंट्रोल थ्री किसी अदर पर्पज से ऑलरेडी रिजर्व्ड है तो कंट्रोल थ्री यूज करना पॉसिबल नहीं। मैंने यूज किया जस्ट नॉन, नॉन चेक करते हैं वर्किंग। ठीक है, अब चेक करो मैंने एडिट प्लस ओपन किया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करना चाहता हूं तो कंट्रोल वन से रन हो रहा है, आउटपुट क्या है? जस्ट हेलो वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं बोल सकते कि यहां पर कमांड प्रॉम्प्ट यूज नहीं हो रहा है, ये भी तो कमांड प्रॉम्प्ट में ही आउटपुट दे रहा है राइट, सेपरेट विंडो। लेकिन यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट आपको खुद से ओपन करने की या हैंडल करने की जरूरत नहीं है राइट। लेकिन ये केस आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि फीचर आपको एडिट प्लस डायरेक्टली प्रोवाइड कर रहा है। मैंने कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड किए हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशंस क्या है ये सब कुछ मुझे एडिट प्लस के केस में डिस्कस करना है। अगर आपने एडिट प्लस को इंस्टॉल कर लिया है तो इसकी कोई गारंटी नहीं कि फिर भी आप डायरेक्टली एडिट प्लस में पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हो। आप ट्राई करना, आपके पीसी में डायरेक्टली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी टूल्स के थ्रू कॉन्फ़िगरेशंस यूज कर चुका हूँ राइट। वन सेकेंड, मैं एक बार फिर से इसको इनेबल कर लेता हूँ, किसको? जूम इट को, कंट्रोल वन, जिससे जूम करके दिखाना पॉसिबल हो। यहाँ पर आप देख पा रहे टूल्स क्या है, कॉन्फ़िगर यूजर टूल्स। यहाँ पर मैं एक टूल्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर कर चुका हूँ, टेस्ट इट, सबसे लास्ट में क्या शो हो रहा है? पाइथन कंट्रोल वन। तो ऐसा नहीं कि फीचर ऑलरेडी एडिट प्लस के साथ डिलीवर हुआ है, जस्ट मैंने इसको खुद से कॉन्फ़िगर किया। तो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करते हैं पाइथन इंस्टॉलेशन के साथ साथ में, ये भी सब कुछ आपको वन बाई वन समझाने वाला हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पाइथन एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए आपके पास फोर चॉइसेस हैं, बाय यूजिंग IDLE टूल, यूजिंग नोटपैड विद कमांड प्रॉम्प्ट एंड एडिट प्लस और आईडी सॉफ्टवेयर। मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूंगा, सजेशंस दूंगा, अगर आप एक बेस्ट पाइथन प्रोग्रामर बनना चाहते हो कभी भी आपको आईडी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि अगर आप आईडी सॉफ्टवेयर इनिशियल लेवल से यूज करना स्टार्ट कर दो तो कई सारे ऐसे थिंग्स होंगे जो आप मिस कर दोगे, मतलब वो आप सीख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए अगर आप चाहते हो कोर लेवल से ए टू जेड नॉलेज हो, अगर मतलब अगर आप पाइथन कमांड यूज करो तो उस कमांड को यूज करने का भी पर्पज क्या, वो सब कुछ भी डिस्कस करूंगा। ठीक है, अगर एड टू पाथ में मान लो, एक और केस मैंने आपको बताया था, पाइथन जब इंस्टॉल करोगे तो एट दैट टाइम आपको एक चेकबॉक्स चेक करने की जरूरत पड़ेगी, इसको चेक बनाना होगा। पर सपोज दैट एट दैट टाइम इसको चेक करना भूल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस नहीं कर सकते हो पाइथन कमांड को, या इसको रन नहीं कर सकते हो। उसके बाद भी आपके लिए पाइथन प्रोग्राम रन करना पॉसिबल है, लेकिन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, उस केस में आपको मेरे हेल्प की जरूरत पड़ेगी। तो वो पार्टी में डिस्कस कर दूंगा, पहले ट्राई करना, ये मिस ना होगा, मिस हो गया है तो तभी भी आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वन, व्हाट इज द यूज ऑफ IDLE सॉफ्टवेयर। तो फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट सॉल्यूशन में शो कर रहा हूं, डेवलपिंग पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग IDLE। ठीक है, एक आईडी सॉफ्टवेयर होता है IntelliJ, IntelliJ का IDLE टूल से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IDLE? तो पहले जस्ट मैं इसका फुल फॉर्म नोट डाउन कर रहा हूं, IDLE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड स्पेलिंग। आप देख लेना, इंग्लिश में मैं मोस्टली मिस्टेक करता हूँ, इंग्लिश मेरी काफी वीक है, क्योंकि किसी पर्सन के लिए एक ही एरिया में परफेक्ट होना पॉसिबल है, हाँ सब कुछ नहीं आ सकता है। आप सोचो मुझे C++, जावा, ओरेकल, पाइथन, इन लैंग्वेज का सबका फुल ऑलमोस्ट स्टूडेंट लेवल पर जो आपको जरूरत पड़ती है प्लेसमेंट लेवल पर कंप्लीट नॉलेज है, लेकिन फिर भी मुझे इंग्लिश नहीं आता है, कितनी अच्छी बात है।
अगर आप में से किसी को इंग्लिश आता है तो वो पर्सन मुझसे ग्रेट है, सीधा सीधा यहाँ पर एग्जाम्पल मिल रहा है। कैसे कि जो चीज मैं नहीं सीख सका वो आप ऑलरेडी सीख कर बैठे हुए हो, तो आप ऑलरेडी मुझसे बड़े हो। हाँ, नॉलेज लेवल पर। मीन्स कहने का मतलब क्या, मेरे लिए इंग्लिश सीखना पॉसिबल नहीं। अगर आप इंग्लिश सीख चुके, आप वो चीज सीख चुके जो मुझसे नहीं बनती है, तो फिर आपके लिए जो मुझसे बनती है वो तो सीखना पॉसिबल है ही। जैसे सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, वाट एवर। मुझे इंग्लिश से ज्यादा ये लैंग्वेज सिंपल लगते हैं, क्योंकि मेरा इनमें इंटरेस्ट है। इसलिए जब मेरे लिए सीखना पॉसिबल है तो फिर आपके लिए क्यों नहीं है, क्योंकि आपको तो इंग्लिश भी आता है, राइट? जो भी स्पेलिंग है इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं फिलहाल। उसका एक सिंपल रीजन है मेरी इंग्लिश अच्छी क्यों नहीं है, कि मैं 10th क्लास तक स्कूलिंग मेरा प्रॉपरली था ही नहीं। सबसे बड़ी बात, मेरा फर्स्ट क्लास से लेकर, उस टाइम पर नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी कुछ था नहीं, फर्स्ट से लेकर 12th तक मेरा जो कंप्लीट स्कूलिंग था वो गवर्नमेंट स्कूल से, मतलब मेरा स्कूलिंग कभी प्राइवेट स्कूल में रहा ही नहीं है, टोटली गवर्नमेंट। उसके अलावा अभी मैंने अपने लाइफ में जो प्रॉपरली सिंसियर होकर पढ़ाई करना स्टार्ट किया वो 10th क्लास से किया है। हाँ, 10th क्लास में मेरे टाइम पर पास होना बड़ा मुश्किल था। 10th में मेरा परसेंटेज कितना हो सकता है आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, जस्ट 52%, 52.8। मुझे 0.8 भी याद है, क्योंकि मेरे लिए मायने रखता था, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात थी। 10th मेरा 52.8% से, सोचो इसमें मैं फर्स्ट क्लास नहीं बना पाया, प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ। जस्ट उसका रीजन क्या है, लेकिन मुझे प्रोग्रामिंग लेवल पर नॉलेज अच्छा हुआ, उसका रीजन क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड इंटरेस्ट, और इसका कोई रीजन नहीं, कोई एक्स्ट्रा ब्रेन पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर कोई सोचता सामने वाले के पास आपसे ज्यादा नॉलेज है, तो उसका मतलब यही नहीं होता कि उसका ब्रेन पावर आपसे ज्यादा बेटर है। हो सकता है उसने आपसे ज्यादा प्रैक्टिस किया हो सकता है उस चीज में उस पर्सन का इंटरेस्ट ज्यादा रहा हो। कोई भी चीज अगर आपसे नहीं बनती है तो सबसे पहले उसमें अपना इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट आएगा तो आप उसको पढ़ने के लिए ज्यादा टाइम देने के लिए चांस दोगे, और जिस चीज को ज्यादा टाइम दोगे वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है? हाँ, यस, जैसे अपना यशराज यूट्यूब प्लेयर में, मतलब यूट्यूब में काफी परफेक्ट है, अच्छे वीडियो बनाता है। नेक्स्ट वन क्या है, आईडीएली स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड। शायद हर्ष ने इसका स्पेलिंग सेंड किया है, उसने इतना मेहनत किया है तो देख ही लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। अब जैसे हर्ष है, इसकी इंग्लिश अच्छी है, लेकिन बेचारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ठीक से नहीं सीख पाया अभी तक। आइडियली स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, आई कैपिटल बना लेते हैं, डेवलपमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल, यहाँ पर एल का मीनिंग क्या हो सकता है, जैसा कि मैंने भी डिस्कस किया था, लर्निंग एनवायरमेंट, लर्निंग एनवायरमेंट। से जो आईडीएलई टूल है ये केवल पाइथन स्पेसिफिक फीचर या पाइथन स्पेसिफिक टूल नहीं है, ऑलमोस्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आईडीएलई सॉफ्टवेयर या टूल प्रोवाइड करते हैं। आप में से हो सकता है कुछ लोग मुझसे जावा पढ़ चुके हैं, वो लोग मुझसे क्वेरी कर सकते हैं, सर आज से पहले आपने जावा में आईडीएलई के बारे में डिस्कस क्यों नहीं किया। नाउडेज करेंटली जावा का जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या, JDK 8 और JDK 1.8। जावा के अंदर ये फीचर्स JDK 8 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ, मीन्स फ्रॉम JDK 9 ऑनवर्ड्स, दैट इज द रीजन, ठीक है? ऐसा नहीं कि आइडियली टूल जावा में नहीं है, ऑलमोस्ट सभी एडवांस लेवल के प्रोग्रामिंग में अवेलेबल है। लेकिन ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, ये आपके लिए कंप्लीटली यूजलेस है, कंप्लीटली मीनिंगलेस है, लेकिन बिगिनर लेवल पर आपको जस्ट पता होना चाहिए। हो सकता है कभी एग्जाम्स में आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द पर्पज ऑफ आईडीएलई, इसका फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरमेंट। तो यहाँ पर एक वर्ड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, जस्ट लर्निंग। ये जो टूल है ये केवल लर्निंग पर्पस से है, नॉट फॉर डेवलपमेंट पर्पस। मतलब कोई भी कंपनी पाइथन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए आईडीएलई टूल का यूज नहीं करता है, यूज क्या करता है, जस्ट आईडी सॉफ्टवेयर। लेकिन बिगिनर लेवल पर और लर्निंग लेवल पर ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट टूल है। प्लस इसका अगर डेफिनेशन पूछा जाए, व्हाट इज आईडीएलई, व्हाट इज
आइडियली राइट। तो आपका सिंपल आंसर क्या होना चाहिए, आइडियली का फुल फॉर्म मैं आपको ऑलरेडी नोट डाउन करवा चुका हूँ, आइडियली इज अ रैपल टूल। क्या बोलते हैं इसको, जस्ट रैपल टूल। आप बोलो सर आइडियली तो समझ में आया नहीं मुझे अभी तक, आपने नया कहानी शुरू कर दिया रैपल, तो पहले रैपल को फिनिश कर लेते हैं, आइडियली अपने आप फिनिश हो जाएगा राइट। मतलब रैपल एक टाइप से कैटेगरी है ठीक है, जो आइडियली टूल है जो एक किस कैटेगरी में आता है, जस्ट रैपल टूल्स की कैटेगरी है। और रैपल का फुल फॉर्म क्या है, रैपल स्टैंड्स फॉर रीड, आर का मतलब क्या है जस्ट रीड, ई का मतलब क्या है इवॉल्व, पी का मतलब क्या है प्रोसेस राइट, रीड इवॉल्व प्रोसेस एंड एल, एल का मतलब क्या है जस्ट लूप, और लूप किस पर्पज से यूज होता है, रिपीटेशन पर्पज से राइट। यहाँ पर आप बोलो सर ये तो कोई कॉम्बिनेशन हुआ ही नहीं, मतलब यहाँ पर ऑपरेशन वो एक्चुअली रिपीट ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन रिपीट के लिए आर का यूज नहीं किया है, आर ई पी आर नहीं है, आर ई पी एल है, तो एल का मतलब जस्ट लूप, और लूप मीन जस्ट रिपीटेशंस, दैट्स इट। ये एक टाइप से किस टाइप का रूल है, किस टाइप का टूल है सॉरी, जस्ट रैपल टूल क्या है, रैपल स्टैंड्स फॉर रीड इवॉल्व प्रोसेस एंड लूप मीन्स रिपीट। लूप को जस्ट आप साइलेंट रखो बेटर रहेगा, आप इसके प्लेस पर यूज क्या करो रिपीट वर्ड। देखते हैं इसका वर्किंग क्या है, जस्ट एक टूल किस पर्पज से प्रोवाइड किया गया है, फॉर लर्निंग पर्पज, मतलब अगर कोई पर्सन बिगिनर लेवल पर लाइनक्स सॉरी अगर पाइथन लर्न कर रहा है तो इनिशियली आप चाहो तो जस्ट इस टूल का यूज कर सकते हो। किस पर्पज से देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन टूल्स के थ्रू आपके लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना पॉसिबल नहीं, ये भी याद रखना, रैपल टूल्स के थ्रू आपके लिए कोई बिग लेवल का एप्लीकेशन या प्रोजेक्ट डेवलप करना पॉसिबल नहीं, मतलब प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए सूटेबल नहीं है। जस्ट सूटेबल किसके लिए है, अगर आपके पास कोई प्रोग्राम है इसके अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से लॉट ऑफ स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, बट सपोज दैट आप जस्ट सारे के सारे स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन टेस्ट नहीं करना चाहते हो, जस्ट मुझे इंटरेस्ट किस में, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ फर्स्ट टू स्टेटमेंट, व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ स्टेटमेंट S4 S5, मीन्स आप किसी इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करके टेस्ट करना चाहते हो, जस्ट स्मॉल स्मॉल ऑफ कोड, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम टेस्ट ना करके प्रोग्राम का स्मॉल स्मॉल पार्ट आपको टेस्ट करना है, उसके लिए आईडीएली और रैपल टूल सबसे बेस्ट चॉइस होगा राइट। इस टूल को आप अप्लाई एक्सेस कैसे करोगे या यूज कैसे करोगे राइट, डेवलपिंग पाइथन एप्लीकेशन यूजिंग आइडियल, तो मैंने इसका डेफिनेशन बताया। देन नेक्स्ट वन है हाउ टू यूज आईडीएली, जैसे याद रखने आपके लिए बिल्कुल मीनिंगलेस है, जस्ट नॉलेज लेवल पर आपको आना चाहिए, लेकिन उसके बाद अपने इस चीज को कभी यूज नहीं करने वाले ठीक है, नेवर। लर्नर लेवल पर आपके लिए सजेस्टेड है, ऐसा भी है इंटरेस्टिंग भी है, देखते हैं किस पर्पज से यूज करोगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बात कर रहा था, हाउ टू यूज आइडियली, मतलब इस विंडो को और एडिटर को ओपन करने का वे क्या हो, आइए अपने आप में क्या है इंटरफेस और एडिटर, इस एडिटर को ओपन करने का वे क्या है, फर्स्ट वे जस्ट आप सर्च कर सकते हो सर्च बार में, आपको नीचे सर्च बार विजिबल हो रहा हुआ शायद, टाइप हियर टू सर्च, तो यहां पर आप सिंपली सर्च कर सकते हो जस्ट बाय टाइपिंग आईडीएलई, चेक करो आईडीएलई मैंने नीचे बैकग्राउंड में टाइप किया तो उसके साथ में हिंट क्या आ रहा है, पाइथन 3.964 बिट राइट, आईडीएलई। अगेन इसी टाइप से आप भी जस्ट आईडीएलई सॉफ्टवेयर को सर्च करके क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर सर्च में क्या आ रहा है आईडीएलई पाइथन 3.9, जस्ट इस एडिटर और आइकन को क्लिक करने की जरूरत है, इमीडिएटली ओपन क्या हो जाएगा जस्ट आईडीएलई टूल। फर्स्ट अप्रोच क्या है, बाय यूजिंग सर्च बार सर्च आईडीएलई, जस्ट मैंने इसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपके पास ये आईडीएलई का सेल विंडो ओपन हो जाएगा, यही सेल विंडो जावा में फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस हुआ, ड्यूरिंग जेडीके 1.9 ऑनबोर्ड्स ठीक है, जस्ट आपके पास आईडी सॉफ्टवेयर आ गई, ये तो फर्स्ट अप्रोच हुआ, इसको यूज कैसे करोगे वो मैं देख रहा हूँ ठीक है, एक तो फर्स्ट अप्रोच हुआ राइट। यहाँ पर चेक करो जो आपको प्रॉम्प्ट है, यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है सबसे लास्ट में, मतलब
आपको कौन सा इंस्ट्रक्शन टेस्ट करना है, कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करना है, जस्ट उस स्टेटमेंट को टाइप करके चेक करना पॉसिबल है, इज इट वैलिड सिंटैक्स और इनवैलिड सिंटैक्स लाइक दैट वन। क्लियर। वन मोर थिंग, आपके लिए जो अभी तक मीन्स मैंने फर्स्ट आज अपने टोटल 6 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। लेकिन मोस्ट ऑफ लेक्चर्स में देखा जाए कंप्लीटली थ्योरी था, लेकिन नेक्स्ट क्लास से ऐसे कंप्लीटली प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाला हूं, और कल की क्लास से आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। जो भी आपने अभी तक डिस्कस किया है मैंने थ्योरी के फॉर्म में, उसके भी टेस्ट पेपर होंगे नो डाउट। प्लस कल मैं आपके साथ स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पर डिस्कस करने वाला हूँ प्रिंट फंक्शन, राइट। आप बोलो सर ये तो बहुत सिंपल फंक्शन है, अगर पाइथन में सबसे इजी थिंग है तो वो क्या है, प्रिंट। लेकिन मैं प्रिंट के ही आपको डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स और डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग शो करने वाला हूँ। उसके बाद इस प्रिंट फंक्शन का आपका क्लास के बाद टेस्ट भी रहेगा। टेस्ट में जस्ट गूगल के फॉर्म में आपको लिंक के फॉर्म में अपलोड करूंगा, मतलब जितने मेरे पाइथन के टेस्ट पेपर्स होंगे आपको गूगल फॉर्म के फॉर्म में उसका लिंक मिलेगा, और जस्ट नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले आप उस टेस्ट को कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। ऐसा भी फिक्स नहीं है कि जैसे मैं लिंक से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस कंप्लीट करना है। अभी तक मैंने प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चन अपलोड नहीं किया था आपके लिए, राइट। लेकिन कल से आपको टेस्ट पेपर्स भी डे टू डे डेली पर डे की बात कर रहा हूँ, जो भी टॉपिक आप डिस्कस करोगे इमीडिएटली उसका प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास फुल मटेरियल भी होगा, ठीक है, टेस्ट पेपर्स के फॉर्म में। सबसे अच्छी बात क्या होगी, गूगल फॉर्म में जब आप टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करोगे तो जैसे ही आप अपने कोड को सबमिट करोगे मीन्स आंसर से सबमिट करोगे इमीडिएटली आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, मीन्स आपके आउट ऑफ एन कितने मार्क्स आए हैं, कितने करेक्ट हैं, कितने रॉन्ग हैं, ठीक है। उन टेस्ट पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन हैं जो आपसे बनना है वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे उन क्वेश्चन को मैं क्लासरूम में डिस्कस किया करूंगा। मतलब टेस्ट पेपर आप जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज का टॉपिक डिस्कस किया, उसके बाद मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया, आप नाइट में या नेक्स्ट डे कभी भी उस टेस्ट पेपर को जस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले फिनिश कर लोगे, उसका जब क्लास टाइम या क्वेश्चन नंबर मार्क करके आओ आप डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो जो आपके लिए जस्ट कन्फ्यूजियस क्वेश्चन है, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है उनको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकते हो। मैं इस टाइप से टेस्ट पेपर्स के साथ साथ ऐसा नहीं है कि मैं केवल आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा सॉल्यूशन नहीं दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आपसे नहीं बन रहे होंगे चाहे वो पूरे ही क्यों ना हो सारे क्वेश्चंस आपको क्लासरूम में भी सॉल्व कराऊंगा। तो इस टाइप से मैंने आपको जो सिलेबस सेंड किया था उस केस में आपको बताया था 1000 प्लस क्वेश्चंस, तो इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली 1000 होंगे, नियर अबाउट 1000 होंगे, कम से कम आपको 2000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। लेकिन मैं बड़ा चढ़ा के नहीं बोलता हूँ, इसलिए मैंने आपको सिलेबस में मिनिमम हाईलाइट किए हैं, लेकिन आपको ऑलमोस्ट 2000 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस में आप डिस्कस करने वाले हो। केवल प्रिंट से रिलेटेड आपका जो टेस्ट रहेगा उसमें प्रिंट से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए आपको कम से कम 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जबकि काफी सिंपलेस्ट फंक्शन है। और आप सोचो सर ये तो सिंपल है, इसका मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल है, क्यों जस्ट मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, फिर भी आप टेस्ट पेपर देखोगे तो आपको कई सारे न्यू क्वेश्चन और न्यू पैटर्न मिलेंगे, ठीक है। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी मिस करने की जरूरत नहीं, जो मैं प्रिंट क्लास मतलब ये फर्स्ट प्रैक्टिकल लेक्चर होने वाला है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस क्लास का खूबी क्या है, राइट। अभी तक तो थ्योरी था, कोई भी डिस्कस कर सकता है, लेकिन आगे चल के आपको देखना है इसका पूरा स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है। फिलहाल मैं बात कर रहा था हाउ टू यूज आईडीएलई टू, तो फर्स्ट वे क्या बताया था, आप जस्ट सर्च बार में आईडीएलई टाइप करके ओपन कर सकते हो, दैट्स इट। ओपन करने के बाद यूज कैसे करना वो डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये तो फर्स्ट अप्रोच हुआ। दूसरा अप्रोच क्या है, अगर आपके पास ऑलरेडी कमांड प्रॉम्प्ट है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के लिए यूज क्या करते हैं, जस्ट रनवार ओपन करोगे, रनवार को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की क्या रहता है, या तो आप इसको सर्च कर सकते हो, या फिर शॉर्टकट की है विंडोज आइकन, जिस अल्ट के पास में विंडोज आइकन वाला की रहता है उसके साथ में आपको होल्ड करना है जस्ट आर, विंडोज प्लस आर, ये रनवार आ जाएगा। इसमें कमांड टाइप करना सीएमडी क्लिक ऑन ओके बटन, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, जस्ट कमांड प्रॉम्प्ट, इसमें इसको चेंज किया लाइक दैट एनीथिंग। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कमांड है वो कमांड में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जस्ट आपके नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो मैं फिलहाल बात कर रहा था अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से आईडीएलई टूल यूज करना चाहते तो इस प्लेस से भी यूज करना पॉसिबल है। हाउ, अगर आप पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हो तो आप कमांड क्या यूज करते हो, python.filename.py।
यहां से आप फाइल नेम हटा दो, जस्ट मैंने टाइप क्या किया ओनली पाइथन, लेकिन पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए एक और कमांड क्या पाई कमांड, तो मैंने पाइथन एंटर किया राइट। चेक करो जैसे ही मैंने पाइथन एंटर किया इसका प्रॉम्प्ट भी आपको आईडीएली के सिमिलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एग्जैक्टली सेम है, वहां पर भी क्या था ट्रिपल ग्रेटर देन। फिर से देखो सर्च का सर्च बार के अंदर मैंने अगेन टाइप किया आईडीएली, तो यहाँ पर भी आपको जो आईडीएली टूल दिख रहा है यहाँ पर भी ट्रिपल टाइम्स ग्रेटर देन सिंबल है कि नहीं, सेम, मतलब एग्जैक्टली सेम मीनिंग है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर आपके पास रन करने के लिए सेपरेट फीचर होगा, ठीक है। डिबग में जाओगे, डिबग के अंदर यहाँ से आपके लिए प्रोग्राम और एप्लीकेशन डायरेक्टली रन करना पॉसिबल है। नेक्स्ट वन जस्ट देखते हैं इसका यूज क्या है, जस्ट ओपन कैसे करते हैं, सारे सिंपल थिंग है, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है जस्ट प्रिंट, मतलब प्रिंट के थ्रू मैंने एक मैसेज डिस्प्ले कराया प्रिंट हेलो, जस्ट इसका बिहेवियर टेस्ट करना राइट, प्रिंट यूज किया राइट, क्या आया हेलो। और मैंने कोई वेरिएबल, मैं चेक करना चाहता हूँ कि पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का सिंटेक्स वैलिड है या फिर इनवैलिड है। एक्चुअली आइडियल टूल का वर्किंग क्या है, जस्ट स्मॉल स्मॉल कोड स्निपेट टेस्ट करना, इज इट वैलिड और इनवैलिड, जस्ट आप सिंटेक्स चेक करना चाहते हो स्मॉल स्मॉल कोड के फॉर्म में राइट। तो आप इस टूल के हेल्प से स्मॉल स्मॉल कोड राइट कर सकते हो, तो मैंने जस्ट यूज किया एक्स इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पर चेक करो कोई एरर मैसेज आया क्या, नहीं, मतलब। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं इसका नेम क्या बताया था मैंने, रैपल टूल, रैपल स्टैंड्स फॉर रीड राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता है, जैसे ही आपने कोई कमांड एंटर किया, अगेन चेक करो वन मोर टाइम्स, तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया था, ऑब्जर्व करना रीड, आर स्टैंड्स फॉर रीड। तो सबसे जैसे मैंने यहाँ टाइप किया ओनली कोई पाइथन कोड टाइप किया एक्स, अब आपको तो दिख रहा है यहाँ पर टाइप क्या हुआ एक्स, लेकिन जो आइडियल रैपल टूल है, रैपल टूल का वर्किंग क्या है, आपने करेंटली जो इंस्ट्रक्शन टाइप किया है फर्स्ट ऑफ ऑल इस इंस्ट्रक्शन को रीड करना राइट, तो ये एक्स को रीड कर लेगा, मतलब यूजर ने प्रॉम्प्ट से क्या टाइप किया उस कमांड को जैसे रीड कर लेगा और पाइथन स्टेटमेंट को रीड कर लेगा। रीड करने के बाद नेक्स्ट केस क्या लिखवाया था मैंने, इवॉल्व, नेक्स्ट केस क्या राइट किया था, जस्ट इवॉल्व। तो पाइथन टूल इंटरनली, पाइथन टूल इन पाइथन वर्चुअल मशीन, इस स्टेटमेंट को जस्ट इवॉल्व करना स्टार्ट करें, इवॉल्व मींस जस्ट इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, इज इट वैलिड और इनवैलिड, और इसका आउटपुट क्या आएगा। तो नेक्स्ट लेवल पर पहले उसने बैकग्राउंड में रीड कर लेगा, देन इसको इवॉल्व करना स्टार्ट करेगा राइट। इवॉल्व करने के बाद थर्ड केस क्या है इसका, थर्ड लेटर अगेन चेक करो प्रोसेस, अभी तो प्रोसेसिंग के लिए कुछ नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया एक्स प्लस 5, पहले रीड करेगा देन इसको इवॉल्व करेगा, इवॉल्व करने का मतलब क्या, सिंटैक्सिस चेक करना, सिंटैक्सिस वेरीफाई करना, इज इट वैलिड और इनवैलिड। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन क्या, प्रोसेसिंग, अब ये कोड प्रोसेस होना स्टार्ट होगा राइट। प्रोसेस होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आपको डिस्प्ले हो जाएगा, लेकिन लास्ट केस क्या था, एल, एल मीन्स लूप और रिपीट। तो यहाँ पर जस्ट मैंने जैसे ही एंटर की प्रेस किया तो फ्रिक्वेंटली ये कोड रीड भी हुआ, इवॉल्व भी हुआ, प्रोसेस हुआ। प्रोसेस होने के बाद इसका रिजल्ट क्या है, जस्ट 15, क्योंकि एक्स का वैल्यू क्या था 10, एक्स का वैल्यू क्या है, जस्ट 10, तो रिजल्ट क्या है 10 प्लस 5 इज 15 राइट। 15 प्रिंट होने के बाद, मतलब ये कोड प्रीवियस इंस्ट्रक्शन रीड हुआ, इवॉल्व हुआ, प्रोसेस हो चुका है। प्रोसेस होने के बाद ये टूल जस्ट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए अगेन वेट कर रहा है, मतलब अगेन ये सेम प्रोसेस फिर से रिपीट हो रहा है। क्या फिर से मैंने कोई स्टेटमेंट आइटम किया समथिंग x into x, तो इसको आप क्या बोलोगे, जस्ट ए आइडियली टूल प्रीवियस स्टेटमेंट को प्रोसेस करके नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करने के लिए फिर से वेट कर रहा है, मतलब ये प्रोसेस बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा प्रोसेस रिपीट हो रहा है, रीड इवॉल्व एंड प्रोसेस, रीड इवॉल्व प्रोसेस, रीड इवॉल्व प्रोसेस राइट। मैंने फिर से एंटर की प्रेस किया तो फिर से इसने इंस्ट्रक्शन को रीड किया, इवॉल्व किया, प्रोसेस किया, फिर से अगेन इन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को रीड करने के लिए रिपीट हुआ, मतलब बार बार सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बार बार सेम प्रोसेस रिपीट हो रहा है। देयरफॉर इट इज नोन एज जस्ट आईडीएली टूल और रैपल टूल, क्या बोला जाता है, रैपल टूल। जिसमें चेक करना समथिंग एक्स इक्वल टू 10, 20, 30, एक लिस्ट क्रिएट किया, चेक करना चाहते हैं इस लिस्ट का वैल्यू क्या, यूज किया जस्ट एक्स,
मैंने चेक किया ऐसा कोई सिंटेक्स होता है कि नहीं होता, जस्ट कॉलन कॉलन माइनस वन, राइट? इज इट वैलिड सिंटेक्स इन पाइथन और नॉट? तो आप चेक करो अभी ऑर्डरिंग में एलिमेंट्स क्या सो रहा है, 10, 20, 30। इस कोड को राइट करके चेक करते हैं क्या आ रहा है, 30, 20, 10। अब कुछ चेक करो, अगर यही कोड आप किसी अदर लैंग्वेज में राइट कर दो, हो सकता है आपको लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड राइट करना पड़े। ये अपने आप से, अपने आप में क्या, जस्ट लाइक अ लिस्ट, और लॉजिकली जस्ट वी कैन से एरे, ठीक है? यहाँ पर एरे को सॉर्ट करने के लिए, सॉरी सॉर्ट नहीं, रिवर्स करने के लिए काफी सिंपल कोड है, जस्ट आपको माइनस वन लिखने की जरूरत पड़ी, पूरा कोड रिवर्स हो चुका है। ये फीचर क्या है, जस्ट स्लाइस ऑपरेटर, जो कि आगे चल के अपन काफी डेप्थ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? इस तरह से आप जस्ट रेबल टून को ओपन कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस से, सेम इंस्ट्रक्शन आप जो प्रीवियस केस में जो व्हाइट वाला विंडो दिख रहा था आपको, इस प्लेस से भी राइट कर सकते हो, नो डाउट, ठीक है? इसके अंदर भी आप सेम कोड राइट कर सकते हो, जैसे राइट डाउन किया अगेन प्रिंट जस्ट हेलो, राइट? क्या राइट किया मैंने, प्रिंट हेलो, तो यहाँ पर भी सेम केस है, जैसे मैं एंटर की प्रेस करूंगा प्रिंट क्या हो गया, आउटपुट एज हेलो, और ये फिर से नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करने के लिए वेट कर रहा, मतलब ये सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा, देयरफॉर इट इज नोन एज रेपल टूल। दोनों प्लेसेस हैं। अगर आपके पास पाइथन स्क्रिप्ट मींस पाइथन कोड ऑलरेडी किसी प्लेस पर सेव है, तो आप जस्ट एक न्यू फाइल के फॉर्म में क्रिएट कर सकते हो। अभी चेक किया आपने, यहाँ पर रन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, राइट? और ऑप्शन की जरूरत भी कहाँ, एंटर की प्रेस करो डायरेक्टली ये कोड रन हो रहा है, ठीक है? लेकिन दूसरा केस क्या, अगर आप किसी फाइल के फॉर्म में कोड राइट करना चाहते हो, आप सोच रहे हो सर यहाँ पर पूरा कंप्लीट प्रोग्राम लिखना पॉसिबल है कि नहीं, तो आपके लिए कंप्लीट पाइथन स्क्रिप्ट या पाइथन कोड भी राइट करना पॉसिबल। उसके लिए आप सिंपली फॉलो करोगे फाइल, फाइल के अंदर फर्स्ट लाइन क्या, न्यू फाइल ऑप्शन, तो न्यू फाइल पर जैसे ही क्लिक करोगे एक नया फाइल ओपन हो गया, अनटाइटल्ड फाइल। आप इसको किसी भी नेम से सेव कर सकते हो, और यहाँ पर डायरेक्टली आपको ऑप्शन क्या रहा, रन रन मॉड्यूल, शॉर्टकट क्या है इसके लिए, जस्ट F5। तो इस प्रोसेस को मैं नेक्स्ट क्लास में जस्ट अगेन डिस्कस करूंगा, ठीक है? उसके बाद जस्ट फर्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूँ। पहले पाइथन में आपको पता है कोई भी आउटपुट डिस्प्ले कराना है तो आपको मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज क्या करना है, जस्ट प्रिंट फंक्शन। तो पहले डेप्थ में प्रिंट फंक्शन का वर्किंग डिस्कस करने वाला हूँ, प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन कंप्लीट होने के साथ साथ डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड डेटा टाइप्स। यहाँ पर डेटा टाइप पार्ट आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग है। आज के क्लास मेरी तरफ से ओवर हो चुका है, आपका कोई पर्सनल डाउट या कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर सकते हो, बाकी लोग क्लास को लीव कर सकते हैं, ठीक है? जिन लोगों के अभी रजिस्ट्रेशन कुछ लोग कंप्लीट नहीं हुए या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते वो एक अलग बात है, अगर कोई करने में इंटरेस्टेड है, बाकी लोग जस्ट नेक्स्ट क्लास से पहले। आज मैंने क्या है, आज कुछ लोगों को मैं लिंक सेंड नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने ओल्ड आईडी यूज किया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपका जूम आईडी मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है? और जो अपना पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में शेयर करूंगा, तो जस्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले जो न्यू ग्रुप क्रिएट किया वहां पर आप वेरीफाई कर सकते हो। बाकी जो टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप मैंने अभी तक क्रिएट नहीं किया है, जस्ट अपना व्हाट्सएप ग्रुप कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद मैं टेलीग्राम ग्रुप भी क्रिएट कर दूंगा और उसका लिंक भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन या डाउट हो तो पूछ सकते हो।